हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स वन शॉट वीडियोस में। ये नई सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज से, एंड ये सिर्फ मैं आपके लिए लाया हूं एक्सक्लूसिवली, कंप्लीटली फ्री, पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं आप ही के भले के लिए, बिकॉज आप सभी के 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स जो हैं अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो इन 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के एग्जाम अभी कॉलेज में होने ही वाले हैं, तो इनके लिए क्यों ना पहले मैं कोई एक सीरीज लेके आ जाऊं। फिर धीरे धीरे करके CBSE ICSE सारे बोर्ड्स के लिए मैं बेसिकली बनाने वाला हूं यही सीरीज। तो आप लोग जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मेरी ये उम्मीद है कि इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको टेक्स्ट बुक कभी जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है आप ही का प्यारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक। तो जब टेक्स्ट बुक ही सामने है और यहाँ पे पढ़ाने वाला है आपका प्रोफेसर भैया, तो आपको टेक्स्ट बुक देखने की क्या जरूरत है। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो 1 से 2 घंटे के बीच में हम इस चैप्टर का पूरा, मतलब यानी कि पार्ट पार्ट करके हर चीज देख डालेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर डालेंगे। आपको अलग से कोई भी प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लूंगा, हर चीज जो एग्जाम में आ सकती है उसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो ये चैप्टर आइए बिल्कुल खत्म करते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है विद न्यूमेरिकल्स। इसे हम वन शॉट में 1.5 से 2 घंटे के अंदर हद में हद पूरा खत्म कर डालेंगे, हो सकता है 1 घंटे के अंदर भी खत्म हो जाए, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग कितना साथ में बने रहते हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स करते रहिए और मुझे बताते रहिए बेसिकली आपको चैप्टर कैसा लग रहा है और किस तरीके से और पढ़ाना चाहिए, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या स्टाइल पसंद करेंगे। वैसे मेरा स्टाइल तो काफी ज्यादा फास्ट है, बट आप कहेंगे कि सर थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा ज्यादा हार्ड पड़ रहा है, तो मैं स्लो भी हो जाऊंगा। और आप कहेंगे सर आपकी गति तो काफी धीमी है, तो आप थोड़ा फास्ट हो जाइए, तो मैं फास्ट भी हो जाऊंगा। एनीवे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस रोज इसी टाइम पर मेरे साथ जुड़ना है और आपको चैप्टर्स वन बाय वन फिनिश करते जाना है। ये चैप्टर्स जब मैं पूरे पढ़ा के खत्म कर दूंगा, जितने पूरे सारे चैप्टर्स हैं ना, सबके सब पढ़ा के खत्म कर दूंगा, आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी सवाल रहेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपके दिमाग में इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं आएगा, बिकॉज मैं सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और आप इन चीजों को देख के बहुत खुश रहेंगे ऐसा मेरा मानना है, और आपकी खुशी आपकी दुआएं ही हमको चाहिए। तो बिना टाइम जरा भी वेस्ट करते हुए चले चलते हैं बहुत ही जबरदस्त चैप्टर की ओर, जो कि 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है। पहले मैं शुरू कर रहा हूं लास्ट चैप्टर से, जिसको सब लोग ऑप्शन में बेसिकली नॉर्मली छोड़ दें, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो इसका नाम है, आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अरे बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप लोग को भी पता चल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आइए देखते हैं। तो यह है हमारी प्यारी टेक्स्ट बुक। तो यहां पर पहले चलते हैं इंडेक्स में, देख लेते हैं कौन से नंबर पर है ये। तो बेसिकली यहां पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो 13th नंबर का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राइट। तो ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इसको वन शॉट में आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। पूरे 14 चैप्टर्स का मैं वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूं, और ये मेरे लेक्चर्स देखने के बाद जिसने भी स्टार्ट टू एंड ध्यान से देखा है तो बेसिकली उसे टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, ये मेरा वादा है कि इसमें से मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सो आइए चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। सो बेसिकली पेज नंबर है 229, सो 9-10 पेज का फर्क है, तो मैं डायरेक्टली 239 पे जंप करता हूं। सो 239, बिकॉज 10 पेज तक तो लोग ने इंडेक्स ही दिया हुआ है। सो 239 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड बेसिकली यहां पर है हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आखिर क्या रिश्ता है। आज की दुनिया में बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन होता है, या फिर जैसे कि मेरा आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे एक स्टूडियो में खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, और आप सब लोग मेरा वीडियोस अपने अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन से देख रहे हैं, कोई लैपटॉप से देख रहा है, कोई कंप्यूटर डेस्कटॉप से देख रहा है, मतलब कंप्यूटर टेबल बैठ के डेस्कटॉप से देख रहा है, मतलब इन द सेंस मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूं ना, और आप भी कमेंट्स प्यारे प्यारे टाइप कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके कमेंट्स भी मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो ये सब हो कैसे पा रहा है? ये सब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इस दुनिया में ना हो तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मैं कहूंगा कि असंभव हो जाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल वैसे ही जरूरी हैं जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी हैं। लिसन वेरी केयरफुली,
अगर आप चांद पे चले गए, अगर आप चांद पे चले गए, चांद पे तो कोई भी वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर आप सोचेंगे कि मैं सामने वाले से बात कर लूं, तो आप बात नहीं कर सकते। यू शुड नो दैट, आप सामने वाले से बात नहीं कर सकते। दो एस्ट्रोनॉट्स चांद पे खड़े होके आपस में बातें नहीं कर सकते। अगर वो अपना हेलमेट उतार लें, अगर अपना हेलमेट उतार लें, जो उनका हेलमेट होता है, एस्ट्रोनॉट का जो हेलमेट होता है, अगर उसे उतार लें और एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें, तो जब चांद पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है, तो उनके मुंह से निकली हुई जो बातें हैं वो हवा में यहां से वहां जाएंगी नहीं, बिकॉज हवा तो है ही नहीं ना, तो बात यहां से वहां पहुंचेगी कैसे? तो सामने वाला आपकी कोई भी बात समझ नहीं पाएगा। तो फिर वहां पर चांद पर हम बात करते कैसे हैं? मोबाइल फोन से करते हैं। अब आप बोलेंगे सर चांद पे कौन सा नेटवर्क चलता है, जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया, कौन सा चलता है? एक्चुअल में कैसा होता है ना कि वो नेटवर्क नहीं है उसमें, उसको अगर मैं ऐसे कहूं, मोटा मोटा कहूं, तो इट इज लाइक यू कैन से वॉकी टॉकी काइंड ऑफ, जैसे पुलिस वाले नहीं लेके घूमते हैं वो एक वॉकी टॉकी हाथ में, उस तरीके का एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि उनके हेलमेट के अंदर लगा होता है। अब हेलमेट के अंदर बेसिकली मुंह से कान तक, जहां पे वो डिवाइस लगा है, मोबाइल फोन लगा हुआ है, वहां तक आवाज ले जाने के लिए भी तो हवा चाहिए ना, तो हवा तो अंदर होती है ना। अरे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं सांस लेते हैं, अरे अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो होता होगा ना, तो उस ऑक्सीजन से बेसिकली आपकी आवाज जो है यहां तक पहुंचती है और फिर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होके निकल के आगे बढ़ती है और सामने वाले के हेलमेट में घुसती है। फिर से वहां पर जो रिसीवर है, उसके फोन का जो रिसीवर है, वो उसे कन्वर्ट करता है प्रेशर वेव्स में और आवाज बना के उसे सुनाता है। सो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना हो तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम सैटेलाइट से भी जो कम्युनिकेट करते हैं, सैटेलाइट से जो वेव्स मंगाते हैं और सैटेलाइट को जो वेव भेजते हैं, ये सब कुछ भी तो संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर हैं क्या, तो शॉर्ट में पहले सुन लीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं जा रहा हूं बोर्ड पर, ठीक है, बोर्ड पर जा रहा हूं मैं, तो ये आ गया मेरा बोर्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जस्ट मोमेंट, अभी थोड़े दिन के बाद क्या ऑन किया है ना। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। सो पहले तो वेव्स क्या होती है, व्हाट आर वेव्स, पहले वेव्स क्या होती है वो समझ लीजिए। तो वेव्स जो होते हैं ना, एक तरीके की हलचल है। वेव का मतलब होता है हलचल, अ डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग थ्रू बेसिकली स्पेस या रीजन। कोई भी स्पेस या रीजन में चलने वाला जो हलचल है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है, एनर्जी भी कैरी करता है। सो वेव्स क्या है? दे आर डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस। स्पेस का मतलब यहां पे अंतरिक्ष नहीं है, डिस्टर्बेंस हो रही है, हलचल हो रही है स्पेस में, और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं है। इट कैन बी मीडियम, इट कैन बी अंतरिक्ष ऑल्सो, मतलब यानी कि मीडियम भी हो सकता है भाई, और मीडियम ना हो, मीडियम ना हो। जैसे मीडियम का मतलब क्या होता है, पानी एक मीडियम है, पानी में शार्क्स बातें करती हैं आपस में, वेल्स बातें करती हैं, डॉल्फिन्स बातें करती हैं, तो पानी एक मीडियम है। वैसे हवा एक मीडियम है, ठीक है, हवा, हवा में हम बातें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि स्पेस में चल रहा है। स्पेस का मतलब, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंतरिक्ष भी उसका पार्ट है, अंतरिक्ष में भी रोशनी तो चलती है ना, यहां से वहां लाइट तो जाती है ना, तो लाइट तो एक वेव है, राइट, लाइट तो एक वेव है, लाइट, रोशनी, प्रकाश एक वेव है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि डिस्टर्बेंस इन स्पेस, तो स्पेस में मतलब जगह में, कोई खाली जगह या कोई भी जगह, वहां पर एक हलचल हो जाना, उसे को वेव कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा बचपन में जब आप एक तालाब में पत्थर डाला करते थे, तालाब में जब एक पत्थर डाला करते थे तो क्या होता था, उसमें रिपल्स बनते थे, सर्कल्स बनते थे, गोल 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 सर्कल्स बनते थे ना भाई। अरे याद आ रहा है तुम लोगों के? नहीं याद आ रहा है? तो बेसिकली ये वेव ही तो है ना, तो वेव क्या है, एक हलचल का नाम ही वेव है। सो वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस इन स्पेस दैट कैरी, जो कि अपने साथ ले जाते हैं, कैरी करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, एनर्जी और इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी करते हैं। इस बात को याद रखिए, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। वेव्स आर नथिंग बट व्हाट, व्हाट आर वेव्स? Waves are disturbances that are traveling through space and they carry information and energy from one point to another point. एक point से दूसरे point पर ले जाते हैं energy. यही wave है. अब wave के types क्या होते हैं? तो let's try to understand the types of waves. तो basically waves के types क्या होते हैं? आइए अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि waves के types क्या होते हैं. तो listen very very carefully. Waves का जो types है. Oh God damn it. What's the color of this? हाँ चलो. तो सही color हमने चुन लिया. ठीक है.
तो वेव के भी हम लोग टाइप देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, वेव के भी हम लोग टाइप देखने वाले हैं। तो वेव दरअसल जो है ना दो टाइप की होती है, मैं आपको बता देता हूं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को हम लोग प्यार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव्स, ऐसे दो तरीके की वेव्स से आपका पाला पड़ेगा, एक है मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, आप देखिए सिंपल सा याद रखिए, एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मीडियम। ठीक है, मीडियम तो लिसन, एंड नॉन मैकेनिकल बोल दिया तो नो मीडियम। ठीक है, ऐसे याद रखिए, नो मीडियम, नो मीडियम। So, यहां पर ये जो वेव्स हैं ये मीडियम के बिना, ये मीडियम में ही चलती है, मीडियम के बिना चल नहीं सकती, और इनको कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, अरे नॉन मैकेनिकल है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम चाहिए ही नहीं, चलेंगी बिंदास। अरे जैसे कि सूरज से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है, सूरज से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है, अरे भैया वो किसी मीडियम के सहारे आती है? नहीं, वो तो ऐसे ही आती है ना सूरज से। अरे बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, अंतरिक्ष है, वहां पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, बिल्कुल यानी कि वॉइड है, कंप्लीट वॉइड, नथिंगनेस, एकदम शांति, अंधेरा, कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी चीज नहीं, कोई कण तक नहीं है, पूरा कंप्लीट वैक्यूम है। और वहां से फिर भी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर चल के लाइट हम तक पृथ्वी पर पहुंच रही है, धरती पर पहुंच रही है, तो कौन सी वेव लेके आ रही है? नॉन मैकेनिकल वेव, जिसे किसी भी मीडियम की, माध्यम की, मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सो लिसन वेरी केयरफुली के नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, वो वेव्स को हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसको मीडियम रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनके दो टाइप्स हैं। इनके दो टाइप्स क्या हैं अभी मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, आप लोगों को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स अ फैंटास्टिक एंड वेरी वेरी इजी थिंग। सो मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं, वो दो प्रकार क्या हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ मोमेंट। सो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स हैं, मैं वो दो टाइप्स बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं दोनों टाइप्स। तो पहला टाइप जो है मैकेनिकल वेव्स का वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल, कुछ लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, चल जाएगा कोई बुराई नहीं है, बट मुझे लॉन्जिट्यूडनल कहना ज्यादा पसंद है। एक हो गया लॉन्जिट्यूडनल, एंड दूसरा वाला जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेव। कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। सो दूसरा है ट्रांसवर्स वेव, एक है लॉन्जिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देयर इज नो लॉन्जिट्यूडनल, सिर्फ और सिर्फ रहता है ट्रांसवर्स, रहता है क्या, रहता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स। एक सेकंड, डिड आई कमिट सम मिस्टेक, लेट मी जस्ट चूज दिस प्रॉपर पेन। हाँ बराबर है। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये होता है सिर्फ एक ही टाइप का, और इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। सो लिसन, ये जो मैकेनिकल वेव्स है इसमें दो प्रकार हैं, याद रख लीजिए, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और जो नॉन मैकेनिकल है उसमें हमें मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, लिसन मैक्सवेल, मैक्सवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी भाई, मैक्सवेल, इसने हमें बताया है और इसने हमने थ्योरी से साबित भी किया है कि दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की होंगी, ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल नॉन मैकेनिकल वेव्स या लॉन्जिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस संसार में कभी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अरे ये कभी हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है इनका अस्तित्व, इनका प्रेजेंस, इनका जीवन नामुमकिन है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो आई होप कि ये बेसिक सा स्ट्रक्चर वेव्स के बारे में आपको समझ में आए। तो ये पूरा जो चैप्टर है डेडिकेटेड है इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर, तो हमें ये बाकी चीजें पढ़ना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक कंप्लीटनेस के लिए, एक समझ के लिए बताया है कि भाई वेव्स क्या होती है। वेव्स मतलब हलचल, और हलचल दो प्रकार की है, एक तो मीडियम में हलचल होती है और एक बिना मीडियम के हलचल होती है। जो मीडियम में हलचल होती है वो दो प्रकार की है, जो बिना मीडियम की हलचल है वो एक ही प्रकार की है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ लिसन, हमारे इंडिया के बहुत ही एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम है
जेसी बोस। जेसी बोस नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, अरे हाँ सर हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे नहीं भैया, वो जेसी बोस नहीं है, वो तो सुभाष चंद्र बोस है, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ये उनकी बात नहीं चल रही है, ये तो फिजिसिस्ट है, ये तो भौतिक शास्त्री है, बल्कि बॉटनिस्ट भी है। अरे दिस गाय इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही इज अ पॉलीमैथ। ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट भी है और एक बॉटनिस्ट भी है। ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने पेड़ पौधों के लिए जहर खा लिया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनकी भी जिंदगी होती है। दे आर लिविंग बींग्स, पेड़ पौधे लिविंग बींग्स हैं, जैसे ह्यूमन लिविंग बींग है ना, हर हम जीते जागते चीजें हैं ना, जीव जंतु हम कहते हैं ना, हम जीवित हैं, तो पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। ये साबित करने के लिए इन्होंने भरी कॉन्फ्रेंस में जहर भी खा लिया था। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि ये फिजिसिस्ट भी थे, तो मैं इनको यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिजिसिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन डेवलप किया था, वायरलेस कम्युनिकेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि बाकी हमारे देशवासियों के साथ हुआ है, वैसी नाइंसाफी इनके साथ भी हुई। इनका जो वर्क था, इनका जो काम था, उसे किसी ने प्रमोट नहीं किया, किसी ने पॉपुलराइज नहीं किया, किसी ने फैलाया नहीं, और ये लैब तक ही सीमित होकर रह गए। इनकी रिसर्च दुनिया को मालूम नहीं पड़ी, लेबोरेटरी तक ही रह गई। लेकिन इन्हीं की जगह पर एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्यूगलाइमो मार्कोनी, उन्होंने भी लगभग जेसी बोस के टाइम पर ही वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया, वायरलेस मतलब बिना तारों वाला कम्युनिकेशन का डिस्कवरी किया लगभग सेम टाइम पे। लेकिन इनको पूरी दुनिया देख रही थी, इनके बारे में पूरी दुनिया जानती थी, इन्हें बेचारों को कोई नहीं जानता था उस जमाने में, तो इन्हें कहा गया कि फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वरना आज हमारे इंडियन के नाम पे होता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इन्हीं कमियों को तो दूर करना है ना, इन्हीं कमियों को हमें पूरा करके दूर करना है। हमारे यहाँ पे जो देश में कमी है कि हम एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी मदद नहीं करते, उसको फैलाते नहीं है, इस वजह से हम देशवासी पीछे हैं और हमें दुनिया में इतना कोई नहीं जानता है। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना होगा। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जेसी बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप किया था। वैसे कम्युनिकेशन की बात चली रही है तो नाम ग्राहम बेल का भी कहीं दूर नहीं है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जानते ही होंगे आप लोग। सो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था भाई, इनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपके हाथ में अभी जो है वो इन्हीं की देन है। मतलब अभी तो मोबाइल है, लेकिन पहले क्या था, लैंडलाइन था ना भाई, लैंडलाइन। तो लैंडलाइन किसने बनाई, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन। आज से तकरीबन कुछ 100 साल से थोड़ा सा और पहले, 110 साल पहले आप ऐसा मान सकते हैं कि इन्होंने जो है टेलीफोन बनाया था। वैसे ये ऐसा कहा जाता है कि टेलीफोन इनसे गलती से बन गया, ये अपने बहरी बीवी के लिए, इनकी ऐसा कहा जाता है, मतलब कहानी है कि सच्चाई कितनी पता नहीं, लेकिन ये कहानी बहुत जमाने से चली आ रही है कि इनकी जो बीवी थी वो बहरी थी, तो उसके लिए कान की कोई मशीन बनाने जा रहे थे, लेकिन बनते बनते इनके दिमाग में कुछ ऐसा आ गया कि भाई दूर से किसी से बात हो सके, तो उसकी टेक्नोलॉजी इनके दिमाग में क्लिक हो गई, तो अचानक में बना दिया इसे, ठीक है, टेलीफोन को। और आज ये जब से बना है भैया, क्या कहने दुनिया के, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त, पता नहीं क्या हो गई है, जो भी हो गई है। सो लिसन वेरी केयरफुली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, टेलीफोन। सो इनकी कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या प्रकार हैं। सो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इज लाइक टाइप स्पेक्ट्रम को है ना, अगर हम लोग कहें ना, तो एक कलेक्शन है, कलेक्शन है, ग्रुप, स्पेक्ट्रम बोलते ग्रुप। आपने स्पेक्ट्रम वर्ड सुना है, कहाँ सुना है, रे ऑप्टिक्स में सुना है, ऑप्टिक्स चैप्टर में सुना है ना, ऑप्टिक्स चैप्टर में आप लोग ने सुना होगा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और उसमें क्या होता है, लाइट के कलर्स होते हैं, लाइट के टाइप्स होते हैं, अलग अलग कलर की लाइट होती है, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज लाइट, हाँ क्या ना। तो बेसिकली आपने सुना हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मैं कह रहा हूं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब टाइप्स, कलेक्शन। तो स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव क्या है, ईएम वेव। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, जो ईएम वेव है हमारी, जो ईएम वेव है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, इसके टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले है रेडियो वेव, ठीक है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली।
अब हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ती चली जाए, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ती चली जाए, तो फ्रीक्वेंसी उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ नाम लिखने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल आप सबको मालूम है, इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू, न्यू, न्यू। म्यू नहीं बोलते, म्यू नहीं बोलते, म्याओ नहीं बोलते, इट्स न्यू, न्यू, एन ई डब्ल्यू, न्यू जैसा होता है ना वैसा, एन यू, न्यू, ठीक है, इसका नाम है। और ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, इट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? कमॉन कमॉन फास्ट, क्या है, याद आ रहा है? नहीं क्लिक हो रहा है? अरे बाबा हर्ट्ज, कमॉन हर्ट्ज, हर्ट्ज। अच्छा, जब हम लोग इनकी साइंटिस्ट की बात कर रहे थे तो यार मैंने नाइंसाफी कर डाली, मैंने बेचारे हर्ट्ज का नाम ही नहीं लिया, हर्ट्ज का नाम लेना पड़ेगा। सो हाइनरिक हर्ट्ज, जर्मन साइंटिस्ट, हाइनरिक हर्ट्ज, जर्मनी देश का वैज्ञानिक, इसने सन 1888 में क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था? क्रिएटेड माइक्रोवेव्स। सो माइक्रोवेव्स पैदा किया था, माइक्रोवेव्स। सो हाइनरिक हर्ट्ज, फादर ऑफ माइक्रोवेव्स, इन्वेंटर ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, याद रखिए माइक्रोवेव्स भी कुछ वेव्स होती हैं। तो अभी हम वो देखिए ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो एक तो हो गया रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, तीसरा देखने को जाएंगे तो हमारे पास होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर ये चौथा होता है विजिबल। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो विजिबल है ना, ये किसके लिए विजिबल है भाई? तो ये विजिबल है इंसानों के लिए। लिसन, मच्छर जो होता है ना, उसे इंफ्रारेड नजर आती है, इंफ्रारेड, लेकिन हमें नजर नहीं आती। अगर इंफ्रारेड हमें नजर आ रही होती तो इंफ्रारेड को भी हम विजिबल कहते। जो घर की मक्खी होती है, घर की मक्खी होती है, उसे अल्ट्रावायलेट नजर आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट अगर हमें नजर आ रही होती तो हम उसे भी क्या कह देते? विजिबल। लेकिन हमें वो दो चीज नजर नहीं आती है, तो हमें जो नजर आएगा हम उसी को तो विजिबल कहेंगे। तो हमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये नजर आता है तो उसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो विजिबल लाइट में अपना आ जाता है पूरा का पूरा विबग्योर। चलिए, आप में से मुझे कौन फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएगा कि विबग्योर मैं वी यहां लिखूं, आर यहां लिखूं, या फिर आर यहां लिखूं, वी यहां लिखूं, बताइए, कौन बताएगा? कम ऑन, टेक अ पॉज, पॉज लेके सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, यहां पे R रहेगा और यहां पे V रहेगा। क्यों? क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। अरे भैया, फ्रीक्वेंसी इज C by lambda, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C इज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, C इज अ स्पीड ऑफ लाइट विच इज अ कांस्टेंट। अरे अकल के पुतलो, लैम्डा इज वेवलेंथ, मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, लैम्डा वेवलेंथ है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। और बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, बस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, वो स्पीड ऑफ लाइट है। अरे भैया समझ पाए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकल्स पर सेकेंड, कोई चीज एक सेकेंड में कितनी बार हो रही है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी वेरी सिंपल टर्म। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, वो है स्पीड ऑफ लाइट। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेड का वेवलेंथ पढ़ा है, रेड का वेवलेंथ पढ़ा है, रेड अगर बोलेंगे रेड, तो रेड की शक्ल, एक सेकंड, रेड कलर, कम ऑन, वेयर इज द रेड कलर? गुड, तो रेड कलर ध्यान दीजिए, तो रेड का जो वेवलेंथ है, रेड का वेवलेंथ बड़ा है भैया, रेड का वेवलेंथ बड़ा है, रेड का क्रेस्ट, रेड का ट्रफ बड़ा बड़ा रहता है, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है, तो बड़ा बड़ा रहता है। और जो वायलेट है, वेर इज वायलेट? कम ऑन, वेर इज वायलेट? दिस इज वायलेट। तो वायलेट का जो रहता है, अगर आप ध्यान से देखने को जाएंगे तो वायलेट का जो रहता है वो छोटा सा वेवलेंथ रहता है, तो वो सिर्फ यहां से यहां तक है। तो इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ जो है वो छोटा सा वेवलेंथ बना रहा है, और रेड का क्रेस्ट एंड ट्रफ बड़ा वेवलेंथ बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसलिए उसको राइट साइड पे लिखा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भैया उधर बढ़ रही है, उधर बढ़ रही है, उधर बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी उधर बढ़ रही है, तो वायलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए उसको यहां लिखा है। और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा, लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, 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 फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू कम है। तो बेसिकली
रेड को यहां लिखा है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, तो उसको यहां लिखा है। आई होप कि ये बेसिक सी बात सभी की खोपड़ी में घुस चुकी है भाई। तो ये हो गया विजिबल रीजन। लिसन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो मच्छर है, मच्छर वो जानते हो रात को क्यों आता है? मच्छर रात को क्यों आता है जानते हैं आप लोग? अरे लिसन, उसका रीजन ये है कि मच्छर अंधेरे में आपको देख सकता है। कैसे देख सकता है? अरे भैया, इंफ्रारेड से। मच्छर को इंफ्रारेड नजर आता है और दुनिया में जितनी भी गर्म बॉडीज हैं ये सबके सब इंफ्रारेड बाहर फेंकते हैं। और आपकी बॉडी तो काफी गर्म है। अरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है आपकी बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस। सो इस टेम्परेचर पे आप ढेर सारा इंफ्रारेड फेंक रहे हो, ढेर सारा इंफ्रारेड। तो रात के टाइम पर लिसन वेरी केयरफुली, मच्छर जो होता है आपको अंधेरे में ढूंढ लेता है। आप वार्म ब्लडेड एनिमल हो, वार्म ब्लडेड एनिमल, हम सब वार्म ब्लडेड एनिमल है। हमें मच्छर ढूंढ सकता है अंधेरे में, क्योंकि एज कंपेयर टू कुर्सी, एज कंपेयर टू पलंग, एज कंपेयर टू टीवी, एज कंपेयर टू बेंच, इन सबके मुकाबले आप इंफ्रारेड ज्यादा फेंकते हो। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये लोग इंफ्रारेड फेंकते तो हैं। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि इस दुनिया में जितनी भी गर्म चीजें हैं, जितनी भी हॉट चीजें हैं, वैसे आपसे ज्यादा कोई हॉट है नहीं, हाँ मेरे से ज्यादा भी नहीं है, बट एनीवे, सो हमसे ज्यादा कोई हॉट है नहीं, जितनी भी चीजें ये रूम टेम्परेचर पे है। इनका टेम्परेचर होगा 22 डिग्री, 20 डिग्री, 18 डिग्री, रात के टाइम पे 10 डिग्री या 16 डिग्री, लेकिन हमारी बॉडी कितने टेम्परेचर पे है? 37। तो हम इन सबसे ज्यादा इंफ्रारेड फेंक रहे हैं। तो मच्छर हमें रात को ढूंढ सकता है बड़ी आसानी से। तो मच्छर को इंफ्रारेड नजर आता है, इस बात का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मच्छर दिन में क्यों नहीं आता, क्योंकि दिन के टाइम पर इंफ्रारेड फैला हुआ है। अरे बल्कि जो ये सौर्य विकिरण है, सोलार रेडिएशन है, सौर्य विकिरण, सोलार रेडिएशन, अरे सन के अंदर से, सूरज के अंदर से 60% इंफ्रारेड ही आता है। तो जब सूरज सामने होगा तो इंफ्रारेड पूरा भरमारी भरमारे, मच्छर बाबा कंफ्यूज हो जाएगा, मच्छर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा, वैसे इंफ्रारेड के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यूज हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो मक्खी है, मक्खी अल्ट्रा वायलेट देख सकती है, अल्ट्रा वायलेट किधर है? तो विजिबल के बाद अगला नंबर आता है अल्ट्रा वायलेट का। तो ये है अल्ट्रा वायलेट। सो मक्खी जो है हाउस फ्लाई, जिसे आप बिल्कुल कुछ नहीं समझते हो, अरे बाबा बहुत ही जबरदस्त जानवर, बहुत ही प्यारा जानवर है, कुछ बच्चे एकदम चकमा खा गए, अरे मक्खी को जानवर बोल दिया, मक्खी को जानवर बोल दिया, अबे जानवर ही है, अकल के पुतलो, किंगडम एनिमेलिया में ही आता है, क्लास इंसेक्टा में ही आता है। तो जो हाउस फ्लाई है, घर की जो मक्खी है, जो कभी आपकी नाक पर बैठती है, कभी खाने पर बैठती है, कभी कहीं और बैठती है, ये अल्ट्रा वायलेट देख सकती है, अल्ट्रा वायलेट। ओके, बट मक्खी पढ़ाई कर रही है साइंस की? नहीं ना। तो मक्खी के हिसाब से विजिबल भले हो गई है, लेकिन हमारे सबसे विजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को तो पता नहीं यार, मतलब क्यों ऐसा है कि हम लोग यार इतना से देख सकते हैं, बाकी पूरे स्पेक्ट्रम के लिए हम अंधे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता है। रेडियो वेव नजर नहीं आता, माइक्रोवेव नजर नहीं आता, इंफ्रारेड नजर नहीं आता, अल्ट्रावायलेट नजर नहीं आता, एक्सरे नजर नहीं आता, गामा रे नजर नहीं आता, दिखता है तो सिर्फ इतना पतला सा विजिबल रीजन। अंधे हैं हम लोग, अंधे। चलिए एनीवे, जितना भी है उसी में खुश रहिए। सो विबग्योर यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ होगा, उल्टा क्या है? उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता फिजिक्स में, फिजिक्स में सब कुछ लॉजिक से चलता है, लॉज से चलता है, लॉज कानून से चलता है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि इनके बारे में आप पहले से जानते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है आपको यहां पर कैंसर दे सकती है, स्किन कैंसर दे सकती है, अगर हद से ज्यादा हुई तो, क्योंकि ये क्या करती है, मेलानिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। मेलानिन करके एक चीज होती है जो आपको डार्क रंग देता है, हमारी बॉडी में जो टैन आता है, टैन मतलब आप अगर एकदम गोरे गोरे से हो और आप अगर बीच पे गए, बीच खुले आसमान में, खुले आकाश के नीचे बैठ गए बड़ी टीका टीक दोपहरी में, तो पूरा बदन जल 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 सा जाता है, थोड़ा लाल लाल हो जाता है। देखा नहीं है बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं गोवा में, लेटते हैं, जब उठ के जाते हैं तो लाल कलर के होके आते हैं, आए थे सफेद सफेद और लाल कलर के होके,
और जो ऑलरेडी ब्राउन है अपने जैसे लोग, वो तो पूरे काले हो जाते हैं। तो मेलानिन के प्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है। मेलानिन एक तरीके का पिगमेंट है। मैं तो भैया काम बायोलॉजी में घुस गया, ज्यादा बायोलॉजी तो आती नहीं, बट एनीवे, सो मेलानिन पिगमेंट को ये बूस्ट करता है, और ये अगर ज्यादा मात्रा में रहा तो सेल्स ज्यादा मेलानिन बनाएंगे, और ज्यादा मेलानिन कैंसरस है, तो सेल्स पागल हो जाएंगे, कैंसरस बन जाएंगे। तो यूवी रे से हमें बचाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो हाँ है ना, एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फियर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें एक ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर यूवी को खा जाता है। तो जैसी सन से यूवी आती है तो कुछ इक्का दुक्का धरती पे पहुंचती है, बाकी सब कुछ ओजोन लेयर खा जाता है, तो हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं पृथ्वी पर। अल्ट्रावायलेट, इसके सबके यूजेस क्या क्या हैं, किस काम आते हैं, सब बताऊंगा। एक्सरेस, अभी जो एक्सरे है भैया, सभी जानते हैं इसका सबसे बेसिक यूज क्या है। जहां हड्डी टूटी, कबड्डी खेलते खेलते उंगली उखड़ गई, कभी पैर टूट गया, फुटबॉल खेलते खेलते किसी ने लात घूंसा मार दिया, घुटना फूट गया, तो भैया जब फ्रैक्चर होता है तो कहां जाते हो आप, एक्सरे निकलवाने के लिए जाते हो ना, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। बाय द वे एक्सरे के डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, उन्हें आप ऐसे छोटा मोटा समझो, बस उन्हें ये मत समझो कि लैब टेक्नीशियन है वो लोग, लैब टेक्नीशियन भी होते हैं उनके पास, लेकिन मेन एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जो कि MBBS की 5.5 साल की पढ़ाई करने के बाद 3 साल का और MD करता है, MD इन रेडियोलॉजी, वही रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि जो एक्सरे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रे है, ये बॉडी पे हद से ज्यादा गिर गई तो बॉडी को कैंसर हो सकता है। तो एक्सरे बहुत ही हार्मफुल चीज है, लेकिन ये यूजफुल भी है। कहाँ यूजफुल है हम सब आगे देखेंगे, सिर्फ नाम जान लो। और गैमा रे, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, गैमा रे भैया क्या है, इट इज द मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है। इसमें इतनी एनर्जी कि क्या कहूं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर यह गिर गया ना, तो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा, म्यूटेंट पैदा होगा, हो सकता है उसके 2 नहीं 4 आंखें हों, हो सकता है कि उसके 2 नहीं 3 हाथ हो सकता है उसके 2 नहीं 4 पैर हों, हो सकता है कि वो बिना स्किन के पैदा हो जाए, पूरा का पूरा सिर्फ फ्लैश पैदा हो, स्किन ही ना हो, अरे गोश पैदा हो जाए, अंदर का मांस पैदा हो जाए, बाहर की खाल ही ना बने, उसे कहते हैं म्यूटेशंस। तो दे कैन कॉज म्यूटेशंस, गामा रेज़ आर एक्सट्रीमली डेंजरस एंड दे आर वेरी वेरी हाईली पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव मतलब घुस जाती है डायरेक्टली किसी भी मीडियम के अंदर, सो दे आर वेरी वेरी डेंजरस। एंड गामा रेज़ कहां देखने को मिलती है अक्सर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। तो न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, उस वक्त जो लोगों को मारा तो मारा, बाद में भी जब बॉम्ब का असर खत्म हो जाता है, फिर भी जो उसके पार्टिकल्स बच जाते हैं, उसके अंदर जो एटम्स बच जाते हैं, उसके अंदर जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बच जाते हैं, वो गामा फेंक फेंक के लोगों को बीमार करते हैं, लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, लोगों को उल्टियां होने लगती हैं, थोड़े दिन में लोग कैंसर से मर जाते हैं। सो गामा इज एक्सट्रीमली डेंजरस बट यूजफुल भी है। इन सभी के यूजेस मैं आपको बताऊं, बट पहले नाम याद रख लीजिए, नाम क्या क्या, बड़ा सिंपल है। देखो, रेडियो वेव हो गया, फिर माइक्रोवेव हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर विजिबल हो गया, फिर अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर एक्सरे हो गया, फिर गामा रे हो गया। तो ये 7 नाम है यार, कम ऑन, क्या बड़ी बात है इसको याद रखना, इट्स डैम इजी। ये विजिबल हमारा बीच में बैठा हुआ है, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, या फिर ऐसे कह लो कि ये 3 का तिगड़ा हमेशा साथ में रहता है, इंफ्रारेड, रेड से वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। अबे देखो, नाम भी कितना प्यारा दिया साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग से, रेड से कम फ्रीक्वेंसी, कम एनर्जी वाला है, तो इंफ्रारेड, इंफीरियर, छोटा, छोटा मतलब निचला, समथिंग लाइक दैट। सो इंफ्रारेड इंफीरियर है, सो रेड से छोट, मतलब देखो ये विजिबल लाइट है, इसमें वायलेट इधर है, रेड इधर है, रेड से छोटा इंफ्रारेड, और वायलेट से बड़ा, वायलेट से पावरफुल, वायलेट से ज्यादा शक्तिशाली, वायलेट से ज्यादा शक्तिशाली, अल्टीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर मतलब सुपीरियर, तो अल्ट्रा वायलेट। रेड से नीचे इंफ्रारेड, वायलेट से ऊपर अल्ट्रा वायलेट। तो बेसिकली ये है विभ्योर, तो ये 3 का तिगड़ा साथ में रहता है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ये 2 बिल्कुल बचकाने लोग जो आम जिंदगी में हर कोई इस्तेमाल करता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और ये खतरनाक लोग जो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स यूज करते हैं, एक्सरेज एंड गामा रेज, ठीक है, इस्तेमाल होता है यहाँ ये सब कुछ, ठीक है। आई होप कि बेसिक सी बात आपको समझ में आई। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग।
ठीक है, इन सबके बारे में एक एक चीज के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं गारंटी लेता हूं आपको बोर होने नहीं दूंगा अगले एक डेढ़ घंटे और तक, तो बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। चलिए लौट चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ, तो देखते हैं कुछ और चीजें। तो बेसिकली ईएम वेव्स में बहुत ही ध्यान से देखना, ईएम वेव्स में देखो लाइट दिखाई गई है, ये लाइट है, लाइट ट्रांसवर्स वेव क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव क्यों है, लॉन्जिट्यूडनल क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती इधर है लेकिन हिलती ऐसे है, तो चलेगी इधर लेकिन हिलेगी ऐसे, तो ट्रांसवर्स हो गया ना भाई। ट्रांसवर्स मोशन का जानते हो सबसे आसान एग्जांपल कौन सा है, अरे अकल के पुतलो अपने घर में जो सिलाई की मशीन होती है, तो सिलाई की मशीन में लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि कपड़ा चलता है आगे और सुई चलती है ऊपर नीचे, तो सुई ऊपर नीचे है और कपड़ा आगे चल रहा है, दैट इज अ ट्रांसवर्स मोशन, ट्रांसवर्स मोशन। तो लाइट जो है भले आगे चल रही है लेकिन ऐसे ऐसे हिलते हुए चलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ऐसे हिलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हिलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और चलते इधर है, इधर चल रहे हैं। तो बेसिकली चलने का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ में आता है, बहुत ही आसान है, कम ऑन यार। सो बेसिकली लाइट चलती है इधर और हिलती है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझ में आ रहा है बेटा, मतलब लाइक दिस, बस आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दैट्स डैम इजी टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली लिसन लिसन लिसन, अगर जेड में चल रही है लाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हिल रही है एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड हिल रही है वाई में, तो इधर है जेड, इधर है एक्स और इधर है वाई, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल है। लिसन, एक्स ऊपर है ना तो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, और वाई सामने है ना तो उंगलियां सामने ले आओ, तो हाथ ऊपर उंगलियां सामने, तो एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई जेड, जेड जेड, एक्स क्रॉस वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई जेड। अरे समझे भाई के नहीं समझे मेरे दोस्तों, समझ में आया बच्चे लोगों, कितना प्यारा है। तो ये है लाइट का चलने का डायरेक्शन। अच्छा जो ये मैक्सवेल भैया थे बड़े बड़े जबरदस्त है, अरे भैया दूसरे न्यूटन है, न्यूटन की आत्मा इन्हीं के अंदर आ गई है, पूरा फिजिक्स वन जैसे न्यूटन ने बनाया है, पूरा फिजिक्स टू इन्होंने बनाया मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ये वो सब कुछ मैक्सवेल का है। ऐसा नहीं कि मैक्सवेल से पहले किसी ने काम नहीं किया, बट मैक्सवेल का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि न्यूटन से पहले किसी ने काम ही नहीं किया, दुनिया भर के लोग थे भाई, कॉपरनिकस कैपलर गैलीलियो बहुत लोग थे, लेकिन न्यूटन ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो बेसिकली जैसे कि न्यूटन को हम कह सकते हैं लाइक गॉड ऑफ फिजिक्स वन, सो गॉड ऑफ फिजिक्स टू कौन है, मैक्सवेल, याद रखना इंदा से। सो मैक्सवेल ने बेसिकली अपनी चार इक्वेशंस दी थी, वो चार इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेकिन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें एक बार मैं लिख के दे दूंगा, आप एज इट इज रट्टा मार लेना, बिकॉज अभी तक आपने उन इक्वेशंस को पढ़ा नहीं है, लेकिन बारहवीं खत्म होते होते आप उन इक्वेशंस को सभी को एक एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, आएंगे अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे, चार इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस अलग अलग चैप्टर में आएंगे, और फिर तब हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि इन इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो मैं चार इक्वेशंस दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो चार इक्वेशंस आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स की क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास बेसिकली है मैक्सवेल की इक्वेशंस, सो मैक्सवेल्स इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो पहली इक्वेशन है E डॉट डी एस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है आपकी पहली इक्वेशन मैक्सवेल की, इसको हम लोग गॉसेस लॉ भी कहते हैं, इट्स नॉट गॉस लॉ, गॉस तो इंडिया में कहते हैं, असलियत में ये बंदे का जो नाम का जो उच्चारण है वो है गॉस, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ,
ठीक है, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रिसिटी में जो गाउस का लॉ है वो ये है, ये पहली इक्वेशन है मैक्सवेल की, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, सो मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज अबाउट द मैग्नेटिज्म विच इज बी डॉट डी एस एंड दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो फॉर्चुनेटली। अरे बहुत अच्छे भैया, जीरो नहीं होता पता नहीं और क्या क्या याद रखना पड़ता। वैसे ही सब देख के बच्चे घबरा रहे, थर थर कुछ बच्चे कांप रहे। बेचारे जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो एक्स से बहुत डरते हैं। अरे एक्स मतलब वो वाला एक्स नहीं, एक्स एक्स बोले तो अरे ये एक्स, जब मैथ्स में लिखा होता है ना फाइंड एक्स तो बेचारे घबरा जाते हैं। वैसे नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, हर बायोलॉजी वाले वैसे नहीं। आई हैव सीन वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो कि बायो पढ़ते हैं बट फिर भी मैथ्स की काफी जानकारी रखते हैं। उन्हें फिजिक्स में मैंने अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा है, तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बायो वाले हैं उनका मैथ्स में थोड़ा रुझान कम होता है, जैसे मैथ्स वालों का बायो में रुझान कम होता है। अरे बायो वाले ज्यादा अच्छा शायद मैथ्स नहीं पढ़ते, वैसे मैथ्स वाले ज्यादा अच्छा बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, तो दोनों बराबर ही है। अरे हर बच्चे की अपनी खासियत है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इन जनरल बायो वाले एक्स से डरते हैं, तो भैया लंबी लंबी इक्वेशंस होंगी तो घबराहट तो होगी ना ऑटोमेटिकली, तो अच्छा ही है भाई ये जीरो आंसर है। अब तीसरे वाले पे आते हैं। अच्छा बाय द वे इसका नाम क्या है, इट इज गाउसेस लॉ फॉर व्हाट, गाउसेस लॉ फॉर व्हाट, मैग्नेटिज्म, कम ऑन मैग्नेटिज्म। अबे जैसे ये गाउसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, अकल के पुतलो, बहुत ही सिंपल है। अब बाकी दो इक्वेशंस, so listen very very carefully, let me raise this thing, okay, so let me take another color so that it does not become monotonous, so look here very very carefully beta, dhyan dijiye ki close integral e dot dl ye karke ek cheez hoti hai, are ye electric field hai magnetic field hai, area area, electric field magnetic field area area, bas itna yaad rakh lo, zyada detail mein bhi nahi jaate, ye wapas electric field, wapas ek aur bhi aayega magnetic field, लेंथ लेंथ, एरिया एरिया, एरिया मतलब सरफेस 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 सरफेस, लेंथ लेंथ लंबाई, ठीक है, लूप लूप भी बोल सकते हैं लूप। सो ई डॉट डी एल और बी डॉट डी एल, इन दोनों की वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो इट इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, सो ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लक्स। एनी वे उसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब बाद में समझ में आएगा रे बाबा, अभी सिर्फ इसको आंखों में छाप लो, आंखों में बसा लो, एग्जाम में टिक करने के लिए याद रखो, ठीक है। बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल की जो कहानी है वो है म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड, यहां पे था चार्ज एनक्लोज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से होती है और मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होती है, तो करंट एनक्लोज्ड, ठीक है, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सम डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल दोस थिंग्स, लेट्स नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स, अभी फिलहाल इतना डिटेल्स का हमारे पास वक्त नहीं है। अरे भैया वन शॉट वीडियो है यार, एक एक चीज के ऊपर बोलने को कम से कम पौना पौना घंटा जाएगा। सो और ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, सो कॉलेज एग्जाम्स के लिए दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट स्टिल एक भूला भटका क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर सर को ही दोष दोगे, नहीं सर ने पढ़ाया नहीं, तो इसीलिए इसको ध्यान से देख लो एक बार भाई, आंखों में नजरों में भर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, इसको याद रख लेना रोज, ट्रेन में आते जाते, कॉलेज आते जाते, मोबाइल में देख के पढ़ लेना, इसको दिमाग में बसा लेना, ठीक है। तो दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशंस, अरे जैसे कि न्यूटन के जो चार लॉज हैं, अब बोले सर चार लॉज, तीन तो मोशन वाले और एक ग्रेविटेशन वाला, इससे फिजिक्स वन काफी हद तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही मैक्सवेल की चार इक्वेशन से फिजिक्स टू काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिजिक्स वन का बादशाह है, ये फिजिक्स टू का बादशाह है, ठीक है। तो ये है मैक्सवेल की इक्वेशंस, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स पे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, सो कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है। पहली खासियत तो सबसे बड़ी यही है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा लिसन, लिखने से मेरा काफी टाइम जा रहा है और आपका भी कीमती वक्त जा रहा है,
तो हम लोग लिखते नहीं है, डायरेक्टली वहीं से देख लेते। अरे बहुत कुछ, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अरे मीडियम नहीं चाहिए, ट्रांसवर्स है। अरे और क्या बोलूं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। हो गया ना, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। वैसे लाइट जो है, मतलब या ईएम वेव जो है, पहले लोग ऐसे समझते थे कि एनर्जी है ना, एनर्जी तो कुछ करेगी नहीं किसी को, खाली एनर्जी है बस, कुछ करेगी नहीं। लेकिन देखा गया इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑल्सो, ये धक्का मार सकती है, लिसन वेरी केयरफुली, ये धक्का मार सकती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स धक्का मार सकती है। यकीन नहीं हो रहा है तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट धक्का मारती है पार्टिकल्स को, लिसन वेरी वेरी केयरफुल। ये थोड़ा वेल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस है, ये अपने सिलेबस में 11वीं 12वीं दोनों में नहीं है, हाई लेवल का स्टफ है। इट रिक्वायर्स क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के बिना इसे आप समझ नहीं सकते। तो बेसिकली लेट्स नॉट गो इनटू दैट, उसमें जाते नहीं फिलहाल। कॉम्पटन इफेक्ट, मैं कह रहा हूं कि लाइट धक्का मार सकती है, इट एक्सर्ट्स रेडिएशन प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे अनगिनत पॉइंट्स हैं कि लाइट रेडिएशन प्रेशर भी दे सकती है, रेडिएशन प्रेशर। तो लाइट धक्का भी मार सकती है, प्रेशर भी एक्सर्ट कर सकती है। और बाय द वे, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 3 साइंटिस्ट लोगों को नोबेल प्राइज मिला है लाइट से ऐसी चीजें बनाने का कि जिससे वो चीजों को यहां से वहां सरका सके। लाइट से ऐसे डिवाइसेस बनाए, लाइट से ऐसे डिवाइसेस बनाए जिससे कि चीजों को धक्का मार सके, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। लिसन वेरी केयरफुली। सो उनका वैसे नाम भी मैं बता रहा हूं, ऑप्टिकल ट्वीजर्स कहते हैं। सामान को यहां से वहां उठा के, अरे चिमटा, ट्वीजर से चिमटा, चिमटा चिमटा बना दिया लाइट से, कि लाइट पकड़ेगी किसी को और उठा के यहां से यहां रख देगी। These are very very mind-boggling phenomena. चलो anyway, these are very very interesting phenomena. Okay, let's not go into that. But what I'm saying is, I'm sorry for the burps. So listen very carefully. कहने का मेरा मतलब ये है कि भैया points तो ढेर सारे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना वक्त जाया किए बिना चले जाते हैं textbook पे और textbook पे चीजें देखते हैं। देखो तो EMF का कैरेक्टरिस्टिक, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबसे जरूरी चीज पहला तो यही है। और फिर सेकंड पॉइंट बना के लिख दो, अरे यहां पे भले इसमें दिया है, सेकंड पॉइंट बना के लिख दो, EMF आर ट्रांसवर्स वेव्स, खत्म। हालांकि दोनों एक ही बात है, लेकिन लग रहा है दो पॉइंट है कि नहीं। ओके, और फिर वैसे मैंने भी क्या कहा था, X क्रॉस Y करोगे तो Z आएगा, X क्रॉस Y करोगे Z आएगा। अरे हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो लाइट की वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो E क्रॉस B करने से गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, द डायरेक्शन इन विच द EMF ट्रेवल्स। तो E क्रॉस B करने से EMF किस डायरेक्शन में जा रही है वो मिलता है, ठीक है। E और B मतलब साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल बोले तो ऐसा उनका शेप है ना, ये क्या होता है, साइन का शेप है ना भैया, इसी को कहते हैं साइनोसॉइडल। तो बेसिकली ई एंड बी फील्ड्स आर साइनोसॉइडल, तो साइनोसॉइडल है, ठीक है। एक और पॉइंट बना सकते हो अलग से, दे आर इन फेज। इन फेज बोले तो लिसन, जब ये मैक्सिमम होगा तो वो भी मैक्सिमम होगा, जब ये छोटा होगा तो वो भी छोटा होगा, ये छोटा तो ये भी छोटा, इसीलिए ये इस तरीके से रहता है लाइक दिस, एंड ये इस तरीके से रहता है लाइक दिस। Listen very carefully. समझिए, they are in phase also. This is a very very important point. Phase में है, sinusoidal है. So बहुत ही जबरदस्त points हैं जो हम लोग exam में लिख सकते हैं। फिर EM waves जो है बनते कैसे, EM waves बनाने के लिए चाहिए charge particle। अरे मैं कहता हूँ आपको, electron पकड़ो उंगली में। Listen, अभी बनाने का बता देता हूँ, अरे एक second में समझ जाओगे। पकड़ो electron को उंगली में, इसको ऐसे हिला दो, उंगली के बीच में दबा के electron को ऐसे हिला दो, तो आप देखोगे उसमें से रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स निकलेंगी। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हिला दो, खाली हिला दो, ये ऐसे ही बनाते हैं। तो एक्सीलरेटेड स्पीड बदलते हुए चार्जेस से बनती है ईएम वेव्स, बहुत ही सिंपल है। तो ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस, इस बात को याद रखना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इन फेज है मतलब प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। EMFs can travel to free space, ये सभी को मालूम, मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो they can travel to free space से तो जा ही सकता है, साथ में solids, liquids, gases से भी जाता है। अरे हाँ, के ना अबे अकल के पुतलो, हवा गैस है ना, उसमें से जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
पानी में से भी लाइट जाती है ना भाई, लेजर लो फिश टैंक में मारो, फिश टैंक में से लाइट जाएगी भाई, सॉलिड्स कांच में मारो, कांच में से लाइट जाएगी, तो लाइट या फिर ईएम वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे बढ़ते हैं, और क्या है ईएम वेव्स ट्रैवल विद वेलोसिटी। देखो ईएम वेव्स की स्पीड आपको मालूम है, अरे लाइट की स्पीड भाई आपको मालूम है कि नहीं मालूम मेरे भाई? लाइट की स्पीड आपको मालूम है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? सी होती है। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। लाइट की स्पीड आज के बाद किसी ने भी आपको पूछा आप क्या जवाब दोगे? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही भयानक स्पीड है, बहुत ही भयानक स्पीड है, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। सो 300,000, 3 × 10⁵, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, ये है आपकी लाइट की स्पीड। और इसका फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला रट्टा मार लीजिए, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट को कहते हैं परमियाबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी। अरे ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो कहते हैं म्यू, म्यू, और ये जो सिंबल है इसे कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और इसके नीचे जो जीरो जीरो लगा हुआ है, ये जीरो जीरो लगा हुआ है, इसको कहते हैं नॉट। नॉट मतलब एन ओ टी नॉट नहीं है, इट इज एन ओ यू जी एच टी नॉट। नॉट मतलब नथिंग, नथिंग मतलब वैक्यूम, एन ओ यू जी एच टी नॉट। अबे अकल के पुतलो समझो इस बात को, बहुत ही सिंपल है, तो बेसिकली इट्स नॉट, ठीक है, नॉट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, वैक्यूम में जब चलोगे वैक्यूम में तो स्पीड ये रहेगी, किसी और मीडियम में चलोगे तो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, किसी और मीडियम में चलोगे तो स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, और वो स्पीड दी जाती है म्यू एप्सिलॉन से। अब नॉट नहीं बचेगा, नॉट बोले तो वैक्यूम था, अब वैक्यूम है क्या? नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है ना, हाँ, तो म्यू एप्सिलॉन। सो स्पीड वैक्यूम में होती है सी, किसी और मीडियम में होती है वी, यहां पे होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वहां पे होता है सिर्फ म्यू एप्सिलॉन, दैट्स इट। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई बच्चा भी याद रख लेगा। अरे हाँ के ना अकल के पुत्र, तुम लोग तो काफी बड़े हो यार, इंटेलिजेंट हो, तुम लोग को तो याद रहना ही चाहिए, गारंटीड, ठीक है। आगे बढ़े, और क्या है ईएम वेव्स जो है ना, एक दूसरे पे चढ़ती भी है, एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, एक दूसरे को मारती भी हैं, हेल्प भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, ये सब आप देखने वाले 12वीं में, डोंट वरी, 12वीं के अंदर पूरा एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि ईएम वेव्स जो है एक दूसरे पे चढ़ भी सकती है, सुपर पोजिशन कर सकती है, सुपर पोजिशन, पोजिशन सुपर पोजिशन, तो सुपर पोजिशन। अरे भैया पेन का ही नहीं चल रहा हमारा, अरे भैया तुम्हें समझ में आवत है कि नहीं? बच्चा लोग, बच्चा लोगन, समझ में आवत है? तो सुपर पोजीशन भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो कहानी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो रहती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, उनके बीच में ये रिश्ता होता है। लिसन, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना तो बड़ी अचंभे की बात है, बहुत ही अजीब बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो ऊंचाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊंचाई को सी से डिवाइड करने के बाद मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सी से डिवाइड करोगे तब जाके मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी छोटी सी रहती है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बड़ी सी रहती है, मैग्नेटिक फील्ड छोटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया कि बी नॉट इज ई नॉट बाई सी। अरे अगर नहीं याद रहे तो भाई एकदम सिंपल ट्रिक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बी सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बी सी है, अब तो याद रख लोगे ना भाई। सो ई इक्वल्स टू बी सी। आगे हाँ, लाइट में या ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड छोटी है, तो हर फेनोमिनन, हर ऑप्टिकल फेनोमिनन जो आपको दिखता है, रेनबोज, पोलराइजेशन या एनीथिंग, ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर प्रोमिनेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नजर आती है, ज्यादा उभर के आती है इसकी प्रॉपर्टी देन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और फिर ये तो है ही कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो तो आपको मालूम है ना, इंटेंसिटी जो होती है, ब्राइटनेस जो होती है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा मतलब हाइट जितनी ज्यादा रहेगी उतना लाइट ब्राइट रहेगी, ब्राइट, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा ब्राइट, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं, और कुछ है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे भी दिया। देखो इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू, ये क्या कॉन्स्टेंट है ना, तो हो गया ना,
इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और हाइट किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हाइट है। हाँ क्या ना, तो बेसिकली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, अरे कॉन्स्टेंट है रे बाबा, कॉन्स्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एम्पलीट्यूड है, हाइट है, ठीक है। सो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। और वैसे यहाँ पे भी देखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। समझ गए बेटा, बहुत ही सिंपल है। प्लीज 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 इसे याद रख लेना, ठीक है, अपने सर की इतनी सी बात मान लेना, इसे याद रख लेना। अरे रे रे बाबा बाबा बाबा, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है ये। इसमें यहाँ पे कुछ सी भी आता है, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो लोग ने भी गलती से मिस्टेक कर दी है। सी भी आएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी आएगा इसमें, ठीक है, ये याद रखना। एनीवे तो ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक्चुअल नॉट ई नॉट स्क्वायर सी आएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके एनीवे, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली भाई, है कि नहीं, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, अरे वेव्स ही है ना, और वेव्स का फॉर्मूला क्या रहता है, वेव्स का फॉर्मूला रहता है, वेव्स का जो फॉर्म रहता है वेव्स, वो रहता है वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एकदम जनरल फॉर्म है भाई, एकदम जनरल फॉर्म है। तो अभी सुनेंगे जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो हमने क्या माना था, हमने क्या माना था कि लाइट, मान लो, अच्छा इसमें तो थोड़ा अलग कर दिया है, हमने जो अलग माना था वो अलग चीज थी, हमने जो माना था वो अलग चीज थी। सुनो, हमने क्या माना था कि z डायरेक्शन में लाइट चल रही है, x डायरेक्शन में लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड हिल रही है। यहां पे चल रही है, इसकी स्पीड इधर है z में, यहां पे हिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे हिल रही है मैग्नेटिक फील्ड। अरे यही पढ़ा था ना भाई, यही पढ़ा था ना यार। सो अगर मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो मैं ये लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड x में नाच रही है और मैग्नेटिक फील्ड y में नाच रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड y में नाच रही है, तो उस हिसाब से ये इक्वेशंस बराबर नहीं है। इस हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से ये इक्वेशंस रॉन्ग नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से रॉन्ग है। तो ये डायग्राम के हिसाब से ex और ये by, और दोनों की दोनों z में चल रही है। तो याद रखना, z में चल रही, अरे मतलब हिल रही है ऐसे, लेकिन चल रही है तो z में ना बे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हिल रही है, चल रही है किधर उधर, मैग्नेटिक फील्ड हिल रही है ऐसे, चल रही है किधर उधर, हाँ के ना, तो चल रही है जेड में। तो यहां पे आ जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। वैसे यहां पे भी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, साइन क्यों आया, क्योंकि हिल रही है, साइनोसॉइडली हिल रही है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, हो गया, खत्म हो गया, इतना सिंपल है यार। अरे बड़ा सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में हिल रही है, और दोनों चल रही है जेड में। तो जेड में चल रही है, एक्स में हिल रही है, वाई में हिल रही है। बहुत ही बचकाना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, के को कहते हैं, के का नाम जान लो, प्रोपोगेशन वेक्टर, यहां पे लिखा हुआ है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और फिर ओमेगा का नाम जान लो, इसे कहते हैं हम लोग ना, यहां पे नाम लिखा हुआ देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीजें यहाँ पे हमने सब देख ली। ये आ गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देख लो ध्यान से। अरे बड़ी टेक्स्ट बुक में डायग्राम बड़ा है यार, एकदम सुस्ता के डाला हुआ है, अच्छा सा डायग्राम ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो रेडियो वेव्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, एक एक इंडिविजुअल वेव की सारे के सारे पढ़ेंगे। कौन कौन से, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, सब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियो वेव, रेडियो वेव, अरे किधर गया भैया, हाँ तो रेडियो वेव सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव है, ठीक है। सो रेडियो वेव कैसे बनती है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल से, तो अपने देख लिया ना, इलेक्ट्रॉन को हिलाएंगे तो रेडियो वेव बन जाएगी, ठीक है। वैसे हिलाते किस चीज में, अरे लिसन, एंटीना में हिलाते मेरे भाई, एंटीना होता है ना एंटीना, तो एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन को हिला देते हैं, एसी करंट छोड़ के, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़ के इलेक्ट्रॉन को हिला देते हैं, एक्सेलरेट होता है और रेडियो वेव्स बन जाती है। सो बहुत ही सिंपल है। तो रेडियो वेव्स बनाने का तरीका है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्जेस इन द कंडक्टिंग वायर और इन एंटीना। ओके, इसके आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये जो रेडियो वेव्स हैं, इनका क्या क्या खासियत है,
तो भैया इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, ये तो हमको भी मालूम है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वेवलेंथ इनकी। अरे इधर था ना, अब उन्हें जो बनाया था, जो डायग्राम बनाया था उसमें इधर था रेडियो वेव, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बहुत ही लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। बल्कि कहां से कहां तक, सेंटीमीटर से लेके किलोमीटर्स में, बल्कि किलोमीटर्स में भी 100 किलोमीटर तक हो सकती है, 100 किलोमीटर से कितनी बड़ी है। सो रेडियो वेव छोटू से लेके बहुत बड़ी तक हो सकती है, इट कैन बी जाइगेंटिक, ओके। अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, अरे भैया ऑल इंडिया रेडियो सुना है, जिसपे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, तो जो है एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम एफएम, एफएम जो तुम सुनते हो, एएम ऑल इंडिया रेडियो यहां पर है, ऑल इंडिया रेडियो एएम में है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है। अरे लिसन, तो एएम जो है वो भी रेडियो वेव है, एफएम जो है वो भी रेडियो वेव है। एफएम सुनते हो ना भाई, 93.5 क्या है, 92.7 क्या है, 92.5 क्या है, अरे सुनते हो ना भाई, तुम्हें बोलते ना रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, फिर और क्या क्या, काली मिर्ची, व्हाटएवर जो जो नाम है, अरे मुझे नहीं पता, पहले मैं सुना करता था, अब छोड़ दिया, अब टाइम नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली एफएम एएम ये सब कुछ रेडियो वेव्स है, हां के ना भाई, सब कुछ रेडियो वेव्स है। तो रेडियो वेव्स ठीक है, तो इस्तेमाल होता है सब ट्रांसमिशन के लिए। तो रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई, कुछ और यूजेस भी हैं। हाँ, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टीवी ट्रांसमिशन सिग्नल के लिए, अरे सेल फोन में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, बस ठीक है। तो इतना काफी है, रेडियो वेव का इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। अब रेडियो के बाद जाते हैं माइक्रो पे, ठीक है, माइक्रो की तरफ जाते हैं। टेबल वेबल बना के लोग खाली वेवलेंथ रिसीव दिया है, या एग्जैक्ट किसी को कुछ भी याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी याद मत करना, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं पूछेंगे, ठीक है, डोंट रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, सो लिसन वेरी केयरफुल, माइक्रोवेव्स किसने डिस्कवर किया था, अरे भैया हेनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था 1888 में हेनरिक हर्ट्ज, अरे लिख के दिया था ना भैया, अरे कहे नहीं चल रहा है, हाँ माइक्रोवेव्स डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज इन 1888, ठीक है। कैसे, इसको भी वही ऑसिलेटर सर्किट, इसको भी इलेक्ट्रॉन को हिलाओ तो बन जाता है, तो ऑसिलेटर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। इसमें बोला है कि उसमें कैपेसिटर रहता है, सर्किट के अंदर कैपेसिटर नाम की चीज होती है, कैपेसिटर, कैपेसिटर तुम्हारे जो पंखों में रहता है ना, पंखे के अंदर, तुम्हारे मोबाइल की फ्लैशलाइट में रहता है कैपेसिटर, और वैसे इंडक्टर, इंडक्टर वो चोक कॉइल पुराने जमाने की, अरे वो मालूम है ट्यूबलाइट आती थी, ट्यूबलाइट पुराने वाली, अरे रॉड वाली, गोल वाली ट्यूबलाइट, अभी की एलईडी वाली नहीं भाई, पुरानी गोल गोल, अरे वही जिसको तुम लोग है ना किसी के सर पे मार देते थे लफड़े में, जब तुम लोग का लफड़ा होता था, झगड़ा होता था, सर पे फोड़ते थे, उसमें से गैस निकलती थी। अब ऐसा करना मत, प्लीज करना मत, बहुत गलत बात है। तो बेसिकली वो जो था उसके अंदर एक भारी सा, उसकी जो पट्टी होती थी, वो ट्यूबलाइट की जो पट्टी होती थी, उस पट्टी के अंदर लगा हुआ होता था इंडक्टर, चोक कॉइल, चोक कॉइल, चोक, तो इंडक्टर है, ठीक है। तो इंडक्टर कैपेसिटर की मदद से हर्ट्ज ने बनाई माइक्रोवेव्स, ठीक है। ये हीट भी कर सकती है, अरे इसीलिए इसको कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में खाना बनाने के लिए, खाना खजाने के लिए, खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ओवन में इस्तेमाल होती है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत कुछ है यार। हाँ, दे कैन बी डिटेक्टेड बाय क्रिस्टल डिटेक्टर्स, क्रिस्टल डिटेक्टर्स के कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स जो माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है रेडार सिस्टम में भी। रेडार होता है ना, प्लेन से प्लेन, फाइटर प्लेन्स भाग रहे हैं दूसरे के पीछे, लड़ाई हो रही है, अब फाइटर प्लेन्स तो आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो सामने वाले फाइटर प्लेन को देखने के लिए रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है रेडार सिस्टम में। अरे रेडार का फुल फॉर्म ही है रेडार, 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 इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो वहां इस्तेमाल होता है एरोप्लेन्स पहचानने के लिए। बट आपको मालूम होना चाहिए कुछ प्लेन्स इस रेडार में नहीं पकड़े जाते, जैसे कि अमेरिका ने बनाया था सबसे पहले ब्लैक स्टेल्थ प्लेन, अब ऐसे स्टेल्थ प्लेन्स इंडिया भी बना रहा है और चाइना भी बना चुका है, तो बेसिकली स्टेल्थ प्लेन्स इंडिया के पास भी होंगे, बट मुझे ज्यादा जानकारी भी फिलहाल नहीं है, वो तो अमेरिका ने बहुत पहले बनाया था, उसके बाद में चाइना ने बनाया था, इसलिए हम लोग को सबको ओपनली मालूम है, बट इंडियन आर्मी के पास एक से एक चीजें हैं, बट हमें उसकी जानकारी नहीं है, बिकॉज ये टॉप सीक्रेट चीज है, सबको थोड़ी ना बताएंगे भाई। तो रेडार, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इनका और जगह भी कहाँ इस्तेमाल होता है, दे आर यूज्ड इन रेडार हम लिख सकते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कुकिंग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी रेडार सिस्टम कुकिंग, ठीक है। हाँ, ये भी टीवी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए काम आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, मोबाइल फोन में है ना, दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि शिप, एरोप्लेन, उसको डिटेक्ट कर सकते हो,
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। हाँ, इससे पढ़ाई कर सकते हो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, चारों में एक ही पॉइंट ठोक दो। चारों का इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने के लिए, चारों में एक ही पॉइंट ठोक दो आप, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं हम लोग इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड किसने डिस्कवर किया? विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया, और डिस्कवर किया सन 1800 में। ये याद मत रखना बर्थ डेट, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कब वो पैदा हुए थे, कब मरे एंड ऑल, ये सब हमको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। तो विलियम हर्शल ने इंफ्रारेड डिस्कवर किया था सन 1800 में, और दुनिया की हर हॉट बॉडी, यू गाइस आर वेरी वेरी हॉट, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी हॉट, सो बेसिकली ऑल हॉट बॉडीज एमिट द इंफ्रारेड रेज, और 60% जो सोलर रेडिएशन है, सौर्य विकिरण है, वो बेसिकली इंफ्रारेड के रूप में है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो इंफ्रारेड की है। इंफ्रारेड जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे जैसे कि माइक्रोवेव को डिटेक्ट करने के लिए क्या था, क्रिस्टल डिटेक्टर है ना, क्रिस्टल डिटेक्टर, इसको डिटेक्ट करने के लिए है आपके पास थर्मोकपल्स, थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर्स। बोलोमीटर नहीं, बोलोमीटर एक चीज है, थर्मोकपल, थर्मोपाइल, बोलोमीटर, थर्मो वर्ड आ गया मतलब हीट आ गया, और हीट से रिलेटेड है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है बेसिकली वो चीजों को गर्म करती है बराबर, इसका भी काम गर्म करना है, और इसको इसीलिए अपन सोलार कुकर में इस्तेमाल करते हैं, सोलार कुकर। इंफ्रारेड को जो है ग्लास, कांच फटाक से अब्सॉर्ब करता है, इसलिए कांच बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है। उसके बाद ये इंफ्रारेड जो है, जो कोहरा होता है ना, कोहरा, ठंडी में एकदम कोहरा रहता है, व्हाइट 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 व्हाइट, तो कोहरे में से पास हो सकती है, कोहरे में से पास हो सकती है, क्लाउड में से, बादलों में से पास हो सकती है, ठीक है। हाँ, इसका इस्तेमाल होता है रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग का मतलब, अरे लिसन, आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल, लेकिन मैं दिखाता हूँ रिमोट कंट्रोल, अच्छा अभी इसे दिखा नहीं सकता, बिकॉज क्यों, क्योंकि लिसन वेरी वेरी केयरफुली, मैंने एक, मैं आपको बता दूँ कि क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्डिंग फिलहाल मोबाइल पर लगा रखी है, तो मैं मोबाइल के थ्रू दिखाने वाला था, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, वो ट्राई कर सकते हैं, वैसे ट्राई कर सकते हैं, यस 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 यस, इट्स पॉसिबल। ये देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग को अभी नजर आएगा इंफ्रारेड, इसको है ना, ये देखो, इसमें से कुछ लाइट दिख रही है, बिल्कुल लाइट दिख रही है, दिखेगी, बिल्कुल लाइट दिखेगी, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो दिख रहा है थोड़ा पिंकिश पिंकिश, ये इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड को हम तो भले नहीं देख सकते, लेकिन ये कैमरा देख सकता है, ये मोबाइल देखता है, मोबाइल देख सकता है, बिकॉज मोबाइल के अंदर है चार्ज कपल डिवाइस, चार्ज कपल डिवाइस, सो मोबाइल इंफ्रारेड को देख सकता है, ठीक है। एनीवे, सो रिमोट के अंदर इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड, रिमोट के अंदर, ठीक है। अरे वो तुमने मूवी देखी थी शाहरुख खान की थी, वो कौन सी मूवी थी, वो हैप्पी न्यू ईयर, जिसके अंदर वो चोरी वोरी करते हैं कुछ अंदर तिजोरी के अंदर, तो उसके बाहर देखा है आप लोगों ने, लाइट लगी रहती है, तो दो हजार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हमारी आंखों को नजर नहीं आती, वो इंफ्रारेड ही है। अरे रेड नहीं है, रेड रहेगा तो तुम बेसिकली कैसे भी बच के निकल जाओगे, वो इंफ्रारेड रहता है दिखता नहीं, इंफ्रारेड रहता है दिखता नहीं है, उसको अलग तरीके का चश्मा लगाना पड़ता है, जैसे कि मिलिट्री वाले यूज करते हैं रात के टाइम पे, मिलिट्री वाले जो यूज करते हैं उसे कहते हैं इंफ्रारेड बायनोक्यूलर्स, नाइट विजन बायनोक्यूलर्स, रात को नजर आने वाला, रात को दिखाने वाला, नाइट विजन बायनोक्यूलर्स, दूरबीन, बायनोक्यूलर मतलब दूरबीन, सो जो इस्तेमाल करते हैं दूरबीन मिलिट्री वाले, उसमें इंफ्रारेड सेंसर्स रहते हैं। एनीवे, इनका और भी इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड जो रहता है, जैसे कि अभी किसी किसी को नहीं, पैरों में बहुत मोटी मोटी नसें होती हैं, पैरों में मोटी मोटी नसें होती हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स, ये बायोलॉजी की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स, तो वेरिकोज वेन्स को देखने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए इंफ्रारेड इस्तेमाल की जाती है। सुपरफिशियल ट्यूमर, जो ऊपर ऊपर की तरफ जो ट्यूमर्स रहते हैं, गांठें बन जाती है, गांठ गांठ बन जाती है, उसको डिटेक्ट करता है, सुपरफिशियल ट्यूमर्स को भी डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड। अरे भाई समझ में आया, समझ में आया क्या? फिर उसके बाद इसको और भी चीजों के लिए, जैसे कि बच्चों को पैरालिसिस हो जाता है, इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल मतलब छोटे से बच्चे जो होते हैं ना, छोटे 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 बच्चे एकदम, तो इन्फेंटाइल पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब लकवा, तो बच्चों को जो लकवा मार जाता है कभी कभार, उसको ट्रीट करने के लिए भी काम आता है, मोच ठीक करने के लिए भी काम आता है, जो आपके हड्डियां यहां से वहां हिल जाती हैं उसको ठीक करने के लिए काम आता है, डिसलोकेशन को ठीक करने के काम आता है, फ्रैक्चर जो हड्डियां टूट जाती हैं उसको ठीक करने के काम आता है। सोलार हीटर में मैंने पहले बता दिया इस्तेमाल होता है, सोलार कुकर में इस्तेमाल होता है, बॉडी का थर्मोग्राम निकालने के लिए, जैसे कि बॉडी का तुम लोग आज निकालते हो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कैट स्कैन, एमआरआई, ये वो, वैसे ही
थर्मोग्राम भी होता है। क्या होता है? थर्मोग्राम। तो थर्मोग्राम निकालने का काम आता है, बॉडी का थर्मोग्राम। बायनोक्यूलर था ना, इंफ्रारेड बायनोक्यूलर बोला था आपको, इंफ्रारेड बायनोक्यूलर बोला था ना। मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं नाइट विजन के लिए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? नाइट विजन। थर्मल इमेजिंग कैमराज भी इस्तेमाल करते हैं, थर्मल इमेजिंग कैमराज भी इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड को। जो आम का पौधा है, आम का पौधा वो इंडिया में और इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज जो इंडिया से पहले जुड़ी हुई थी एक जमाने में, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इन गर्म देशों में ही आम पैदा होता है। लेकिन आम अगर हमें यूरोप में बनाना है, यूरोप में, तो उसको वहां पे गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी कि नहीं? हाँ। तो वहां पे लोग क्या करते हैं ना, कांच का घर बना देते हैं, उसमें रख देते हैं पेड़, और कांच क्या करता है? इंफ्रारेड को अब्सॉर्ब कर लेता है और गर्मी बढ़ा देता है। तो उस गर्म माहौल में जो है आम का पेड़ पैदा हो सकता है, उग सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ऐसे घर को जो कांच का बना है लेकिन उसमें हरे हरे फूल पत्ती पौधे हैं, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस को गर्म रखने के लिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट कंट्रोल अभी देख लिया आप लोगों ने, रिमोट कंट्रोल में लेसन, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे आंख के सामने रख के देखना, दबाना तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन कैमरा रख के, मोबाइल कैमरा, तुम्हारे भी मोबाइल कैमरा में होगा गारंटीड, दबा के देखना। अगर दबा के इंफ्रारेड दिख जाए मोबाइल से तो फिर एक लाइक दे देना जरूर, ठीक है, एक लाइक दे देना। तो बेसिकली रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, वीसीआर एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विजिबल लाइट के बारे में। तो विजिबल लाइट जो है बेसिकली किसने ढूंढा, विजिबल लाइट किसने डिस्कवर किया? अबे आदि मानव ने। अरे अकल के पुतलो, जब से इंसानियत बनी, जब से इंसान बना है, इस दुनिया में विजिबल लाइट तो हर कोई इस्तेमाल कर ही रहा है, इसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया, इसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया। तो ये डिटेक्ट कैसे होती है? माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट कौन कर रहा था? क्रिस्टल डिटेक्टर्स। इंफ्रारेड को डिटेक्ट कौन कर रहा था? थर्मोपाइल थर्मोकपल बोलोमीटर। इसको डिटेक्ट कौन कर रहा है? ह्यूमन आई। अरे भैया काहे चलत नहीं रे बाबा। तो अरे ई का हुआ, तो इसको जो डिटेक्ट कर रहा है, ह्यूमन आई डिटेक्ट कर रही है, हमारी आंखें, मानव की आंखें। वैसे मानव सिर्फ लिखना नहीं चाहिए था, है ना, जानवर दूसरे लोग भी तो बेचारे देख पाते हैं ना, बहुत सारे जानवर, ठीक है, ओके। एनीवे, वैसे आपको एक बात मालूम चाहिए, कुत्ते को लाल कलर नजर नहीं आता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं, तो कुत्ते को लाल कलर नजर नहीं आता है। हमारी आंखों में जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ना, तो बेसिकली उसमें से वो रेड वाले कोन्स मिसिंग है उसके अंदर। एनीवे, सो विजिबल लाइट इज एमिटेड। हाँ, विजिबल लाइट कैसे? एटॉमिक एक्साइटेशन। अरे एटम रहता है ना, एटम, तो एटम कभी क्या होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है तो लाइट फेंकता है, ठीक है। तो एटॉमिक एक्साइटेशन से विजिबल लाइट बनाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। फिर क्या, फिर तो किस चीज में इस्तेमाल होता है? यहाँ पे तो कुछ खास दिया नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये सब लिख देने का। इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, अरे डेंटिस्ट लोग देखते हैं ना। इट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी, लाइट, विजिबल लाइट, अरे पेट में घुसाते हैं तार और पेट के अंदर क्या चल रहा है देखते हैं डॉक्टर एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी। चश्मा बनाने में, लेंसेज बनाने में, प्रिज्म बनाने में, सारे फेनोमेनन देखने में विजिबल लाइट यूज होती है। रेनबो देखना है, विजिबल लाइट। हाँ क्या ना भाई, तो विजिबल लाइट के अनगिनत यूज हैं। अब विजिबल लाइट के बाद आता है भैया क्या आता है, अल्ट्रावायलेट। किसने डिस्कवर किया अल्ट्रावायलेट? तो अल्ट्रावायलेट जो है डिस्कवर किया है जोहान रिटर, ठीक है। कोई कोई लैंग्वेज में से योहान भी कहते हैं, योहान। एनीवे, सो जोहान रिटर 1801 में डिस्कवर किया। कहां इस्तेमाल होता है? वेपर लैंप बनाने के लिए, ठीक है। So they can be produced, मतलब वेपर लैंप बनाने के लिए, वेपर लैंप में बनता है ये, मर्क्यूरी वेपर लैंप में, मर्क्यूरी वेपर लैंप में बनता है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क से बनता है, चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी इलेक्ट्रिकल स्पार्क, चिंगारी पता है ना, वेल्डिंग करने में चिंगारी निकलती है, उसमें से काफी ज्यादा अल्ट्रा वायलेट निकलता है, और हमारी आंखों को बचाने के लिए हम वो पहनते हैं वेल्डिंग करते टाइम पे, देखो पहनते हैं मास्क जैसा। हाँ क्या ना, कार्बन आर्क लैंप होते हैं, कुछ लैंप होते हैं कुछ तरीके के, वहां पर मिलता है, और बहुत कुछ है, ज़ेनॉन गैस ट्यूब्स में बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑल व्हाटएवर, सन में तो सबसे ज्यादा बनता है अल्ट्रावायलेट, सबको मालूम है, सन, सूरज में, हमारा जो सूरज है, हमारा सूर्य है, उसमें बनता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब भी हो जाता है ओजोन से, ये बात हमको मालूम है, काफी पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इनकी और क्या खास बात है? तो बेसिकली किसी किसी चीज पे गिर के है ना चमकता है, अल्ट्रावायलेट है ना, कभी कभार कोई चीज पे गिरता है और चमकता है, कोई चीज पे गिरता है और चमकता है, तो अल्ट्रा वायलेट प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस, तो ये प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस करता है, चमक, ठीक है।
और जिन मटेरियल पे गिर के चमक प्रोड्यूस करता है उन्हें हम कहते हैं फॉस्फर्स, फॉस्फर्स कहते हैं, फॉस्फर्स चमकदार चीजें, और ये खुद चमकता है, फ्लोरेसेंस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आप लोग 12वीं में पढ़ेंगे, डोंट वरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रावायलेट जो है अपनी बॉडी में विटामिन डी बनाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह की जो धूप है, सुबह 8 बजे से पहले की धूप, 7 बजे की धूप जो रहती है, सूरज जब जब जस्ट निकलता है तो उसमें जाके खड़े हो जाना चाहिए, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, ठीक है। और फिर क्या है ये, हाँ ये पास नहीं हो सकता कांच से, अल्ट्रावायलेट कांच से पास नहीं होता है, लेकिन क्वार्ट्ज में से पास होता है, फ्लोराइड में से, रॉक सॉल्ट में से, रॉक सॉल्ट बोले तो हम काला नमक, काला नमक जो रहता है ना अपना, अरे घर पे खा ना खड़ा नमक रहता है, कौन सा ब्लैक कलर का, काला नमक, रॉक सॉल्ट, तो उससे ये पास हो सकता है। अल्ट्रावायलेट बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया को मार सकता है, बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए काम आता है, अरे बाबा लिसन वेरी केयरफुली, जो आपने किसी का ऑपरेशन किया, जो बच गई चीज, मतलब ऑपरेशन में तो बड़ा ऑपरेशन नहीं, बड़े ऑपरेशन में जो भी चीज इस्तेमाल होती है ना उसको सीधा उठा के कूड़ेदान में फेंक देते हैं, मेडिकल वेस्ट बोल के एक अलग कूड़ेदान होता है, उसमें फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। छोटी मोटी ऐसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, छोटी मोटी सर्जरी किया उसने, पैर की कोई फोड़ी थी, कुछ और किया, उसके बाद में वो जो इक्विपमेंट्स हैं उसको बॉइल्ड वाटर में, बॉइल्ड वाटर में उसको धोते हैं, एकदम गर्म वाटर में, खौलते पानी में, ताकि बैक्टीरिया मर जाए। एक दो जो बच भी गए उसके लिए एक और डिवाइस आता है, काफी महंगा होता है, बट वो डिवाइस अगर खरीद लिया जाए उसके अंदर अगर ये सारी चीजें रख दी जाएं, जो भी है, स्कैल्पेल है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, कुछ भी चीजें, तो जो भी चीजें उसको अगर रख दिया जाए उसके अंदर, तो उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है और गिरती है इक्विपमेंट्स पे, जो भी अपने सीजर्स, स्कैल्पेल या कुछ भी इस्तेमाल किया उस पर गिरती है अल्ट्रावायलेट लाइट और बैक्टीरिया को मार देती है। तो इट कैन बी यूज फॉर किलिंग दी जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अलार्म में इस्तेमाल होता है, बर्गलर अलार्म, तो अल्ट्रावायलेट लाइट कहीं जा रही थी, सामने घंटी लगी हुई है, किसी ने चोरी करने की कोशिश की, हाथ अंदर घुसाया, अल्ट्रावायलेट कट हो गई, अलार्म बज गया, तो बर्गलर अलार्म्स में इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। हीरा असली है कि नकली पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है, रियल एंड फेक जेम्स, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले कहा था कि केमिस्ट्री में जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, स्टडी है, उसमें आप लाइट भी ले सकते हो, विजिबल वाली, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रो, सब ले सकते हो, ठीक है। फॉर्जरी तो नहीं की है किसी ने, फॉर्जरी बोले तो फ्रॉड किया है, फ्रॉड, तो फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्रॉड मतलब किसी ने जाली सर्टिफिकेट बना दिया, नकली होलोग्राम बना दिया, डिग्री नकली बना दी, तो उसको भी अल्ट्रावायलेट लाइट मार के चेक कर सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट के काफी सारे ये हैं, और बहुत हाई एनर्जी के लोग हैं, ऑल, एक सेकंड, ये तो प्रॉपर्टी दूसरी की आ गई, हाई एनर्जी तो ये भी है, ये दूसरी की प्रॉपर्टी आ गई, आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हाँ यहां से ही खत्म हो गया, हाँ एक्सरेज, एक्सरेज, एक्सरे किसने डिस्कवर किया, लेसर, इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, क्यों, अबे फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज 1901, दुनिया में जब पहली बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया तो इसी को दिया गया, एक्सरे वाला, इसका नाम है विलहेम कॉनरेड रॉन्टजेन, विलहेम कॉनरेड रॉन्टजेन, आप खाली रॉन्टजेन याद रखो, रॉन्टजेन, जो रॉन्टजेन है, व्हाट हैपेंड, सो जो रॉन्टजेन है, बेसिकली रॉन्टजेन को मिला है पहला नोबेल प्राइज, इसने एक्सरे की डिस्कवरी किया 1895 में। तो एक्सरेस का जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेस का जो इस्तेमाल, तो बेसिकली एक्सरेस क्या क्या है, पहले देख लीजिए कि हाई एनर्जी की ईएम वेव्स हैं, हाई एनर्जी की ईएम वेव्स हैं, हाई एनर्जी ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन पे कोई असर नहीं होता, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अरे खुद भी पावरफुल चीज है, इस पे क्या असर होगा। एक्सरे गैस को आयोनाइज कर सकती है, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर हमको मालूम है, अरे एक्सरे हमारी हड्डियों में, हड्डियों को छोड़ के बाकी गोश में, स्किन में, नाखूनों में, हर चीज में घुस जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि एक्सरे बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग है, भेदने की शक्ति ज्यादा है। इट कैन किल लिविंग प्लांट, अरे जीते जगते चीजों को, जीते जगते लोगों को, जीवित चीजों को मार देती है। तो एक्सरे कैन किल, एक्सरे के सामने खड़े होके नाटक मत करना, सोचना मत कि मैं ऐसा गाना गाते ओ हसीना ओ नीलम परी करके मैं नाचूंगा और मेरी हड्डियां हिलते हुए आएंगी एक्सरेज में, ऐसा मत करना। एक्सरेज के सामने ज्यादा देर खड़े रहे, डोज रेट ज्यादा हो गया तो मृत्यु हो सकती है आपकी, बहुत ही खतरनाक होता है एक्सरे, ठीक है। इसका ओवरडोज एनिमल के टिश्यूज को घायल कर देता है, मार देता है, इट इज वेरी हार्मफुल टू अस, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टल्स की स्टडी के काम आता है, यस बिल्कुल, क्रिस्टल की पढ़ाई करते हैं एक्सरे से, बोन के फ्रैक्चर्स को, हड्डियां टूट गई उसको पढ़ते हैं। सीटी स्कैन में काम आता है एक्सरे, सीटी स्कैन निकालते हैं ना उसमें एक्सरे काम आता है।
उसके बाद में जो मेटल्स है, मेटल में कोई क्रैक तो नहीं है, वहां पे काम आता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो बेसिकली आपका एयरपोर्ट पे जो मेटल डिटेक्टर रहता है, एयरपोर्ट के ऊपर भी एक्सरे का एक मेटल डिटेक्टर होता है, जिसमें से जब आप पास होते हो तो आपकी जेब में अगर कोई बंदूक रखी हुई है तो वो बंदूक डिटेक्ट कर लेगा ये, क्योंकि बंदूक में थोड़ा सा मेटल रहता है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मेटल रहता है। एक्सप्लोसिव्स, बम गोले, हथ गोले जो भी आपके पास है, सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा एक्सरेस। सो डिटेक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव्स, ओपीएम, चरस गांजा भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? नहीं, अब जाते हैं गैमा रेज पे। सो गैमा रेज जो है, इनको किसने डिस्कवर किया? सो गैमा रेज वर डिस्कवर्ड बाय पॉल विलार्ड सन 1900 में गैमा रेज को डिस्कवर किया गया। ठीक है, पॉल विलार्ड ने डिस्कवर किया। और गैमा रेज जो है कहां से निकलती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यूरेनियम से निकलती है, रेडियम से निकलती है, एटम बॉम्ब में निकलती है। इनकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, हाईएस्ट एनर्जी की ईएम वेव्स हैं, बहुत ही हाईली पेनिट्रेटिंग है। आयनाइजिंग पावर थोड़ा स्मॉल है। आयनाइजिंग पावर क्या होता है? बेसिकली क्या ना, ये जब टकराएगी ना हवा से, तो हवा के कितने आयन्स बनाएगी चलते चलते, जैसे कि गैमा रे चल रही हवा में, तो हवा के मॉलिक्यूल्स को टकरा के उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दे रही है ताकि वो आयन्स बन जाए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजिंग पावर। जीते जागते सेल को मार डालता है, जीते जागते सेल को मार डालता है। ठीक है, अगर किसी सेल पे गिर जाए जीते जाते सेल पे, तो मार देगा। जो घुन होते हैं ना, घुन किसमें? आटे में, किसमें? गेहूं का आटा जो रहता है, गेहूं का आटा, वीट फ्लावर जो रहता है, गेहूं का आटा, उसमें जो होते हैं घुन, तो घुन को किल कर सकता है। तो इंसेक्टिसाइड डिसइंफेक्शन करने के काम आता है, फूड प्रेजर्वेशन करने के काम आता है। फूड, अरे जो कैंड फूड होता है ना, कैंड फूड बंद फूड रहता है, कैन के अंदर भरा हुआ रहता है खाना, जैसे अचार, तो उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलाइनम, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, तो उसे भी किल कर सकता है। ठीक है, उसे भी किल कर सकता है, बाद में सर्च कर लेना, क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलाइनम। ये बॉट्यूलिज्म नाम की बहुत ही खतरनाक डिजीज कॉज करता है। ठीक है, रेडियोथेरेपी में काम आता है। अरे लिसन, जो लोगों को लास्ट स्टेज पे कैंसर है, उन पे दवाओं ने तो काम करना बंद कर दिया, अब तो सिर्फ दुआ की जरूरत है। नहीं, दुआ से पहले एक और चीज है, गैमा रेज जीते जागती चीजों को मारता है, कैंसर सेल भी तो जीवित है, तो कैंसर सेल को भी मारेगा। तो कैंसर सेल पे गिराई जाती है गैमा रेज, अच्छे सेल पे गिरी तो अच्छे सेल भी मर जाएंगे, लेकिन बुरे सेल पे गिराया तो बुरे सेल भी मरेंगे। तो बुरे सेल्स को मारने के, कैंसर को कंट्रोल में लाने के, कैंसर को औकात में रखने के काम आता है गैमा। तो ट्यूमर्स भी ट्रीट करता है, ट्यूमर्स कैंसर ट्रीट करता है, कैंसर ट्रीट करने का काम आता है। अरे भाई, समझ में आ रहा है कल के बदलो के नहीं समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन में बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन बॉम्ब में बनता है गैमा, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, अब आगे जो ईएम वेव्स होते हैं, ईएम वेव्स से कैसे प्रोपोगेट करते हैं, ईएम वेव्स जो होते हैं कैसे प्रोपोगेट करते हैं, देखो बहुत ही आसान है ये। फटाक से मैं आपको क्या करता हूँ ना, कि बोर्ड पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो बेसिकली ये जो है हमारी पृथ्वी, प्यारी प्यारी सी पृथ्वी, मैं बना देता हूँ, पृथ्वी बना देता हूँ अच्छे से। तो ये है हमारी पृथ्वी, ये अर्थ है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बेटा, कि पृथ्वी पर जब आपको है ना ज्यादा दूर नहीं, बहुत ही नजदीक सिग्नल भेजना होता है यहां से यहां, जैसे कि यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईआईटीज होती हैं, वहां पर ऐसा करके है ना एक ये रहता है, क्या रहता है, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना रहता है। तो इन एंटीना के बीच में जो वेव्स भेजी जाती है, इसे कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। क्योंकि ये जमीन के नजदीक चलती है और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी ने पूछ लिया तो कह देना लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज़। 2 मेगाहर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं जो ग्राउंड के नजदीक चलती हैं। ये रेडियो वेव्स रहती हैं, रेडियो वेव्स जो कि नजदीक एंटीना के बीच में चलती हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन करती हैं, लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज़ इनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इनको ज्यादा लॉन्ग रेंज के इस्तेमाल नहीं करते, 1-2 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हद में यूनिवर्सिटी के अंदर यूज करते हैं इसको, यूनिवर्सिटी के बच्चे दिन भर गाना गाते रहते हैं इसके ऊपर। अब थोड़ा दूर जाना है, तो दूर जाना है, लिसन वेरी केयरफुली, तो एंटीना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो उसका एंटीना थोड़ा बड़ा रहता है। तो एक तो ये होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक तरीका ये है, एक होता है कि ग्राउंड पे से टकरा के कम्युनिकेशन, ये भी होता है ग्राउंड पे से टकरा के। ठीक है, एक होता है कि आसमान से टकरा के, लिसन ट्रोपोस्फियर से टकरा के, एक सेकंड, ट्रोपोस्फियर इतना भी ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है ट्रोपोस्फियर, सो ट्रोपोस्फियर से टकरा के।
ट्रोपोस्फियर, और एक होता है सैटेलाइट से टकरा गया, तो सैटेलाइट से अंतरिक्ष में भेज दिया अंतरिक्ष, अरे यहाँ पे सैटेलाइट है भाई, मान लो ये सैटेलाइट बना दिया मैंने, थोड़ा भावनाओं को समझो ठीक है, वायर से बना दिए और मान लो सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट वाला भी ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्पेस में प्रोपगेशन, क्योंकि इसने सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया, अरे सब कुछ ले लिया, सीधा फेंका, ग्राउंड से टकराया, ट्रोपोस्फियर से टकराया, स्पेस सैटेलाइट से टकराया, तो सब कुछ आया था स्पेस वेव प्रोपगेशन, अरे अर्थ के आसपास की सारी स्पेस यूज कर डाली, तो स्पेस वेव प्रोपगेशन। फ्रीक्वेंसी, किसी ने पूछा कौन सी फ्रीक्वेंसी आप रेडियो में भेजते हो, तो आप कहेंगे न्यू ग्रेटर देन 30 MHz, 30 MHz से बड़ी फ्रीक्वेंसी, 30 MHz से बड़ी। इसका रेंज क्या है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है, तो बेसिकली टीवी वी ट्रांसमिशन के काम आ सकता है ठीक है। अब आगे फाइनली एक ले लेते हैं जिसका एंटीना और भी बड़ा है ठीक है, सो एंटीना और भी बड़ा है, या फिर बड़ा अगर एंटीना नहीं है तो बड़ी बिल्डिंग पे लगा हुआ है, अरे ऊंची बिल्डिंग पे लगा दिया भैया, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, तो यहाँ पे लगा दो, है कि नहीं, यहाँ पे लगा दो, अबे अकल के बदलो यहाँ लगा दो ठीक है। अब ये उससे बात कैसे करेगा, यहाँ से तो ब्लॉक हो गया, ये उससे बात नहीं कर पाएगा ना भाई, अरे समझ पा रहे हो अकल के बदलो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ, तो ये उससे बात कैसे करेगा, नहीं बात कर पाएगा, तो क्या करते हैं कि यहाँ से वे फेंकते हैं आयनोस्फीयर में, और आयनोस्फीयर से टकरा के आती है, बल्कि जरूरी नहीं कि ऐसी आएगी, इधर जाके टकराई आयनोस्फीयर से, इधर टकराती है, फिर आयनोस्फीयर पे टकराई, इधर टकराती है आयनोस्फीयर, टकराई इधर आती है, बट ये सब हमको डिटेल में इतना देखना नहीं है, ये सब इंजीनियरिंग में आपको सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको सिखाया जाएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये वाला है, इसको कहते हैं, ये सिर्फ आयनोस्फीयर से टकरा रहा है ना, इसको बोलते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो तीन हो गए, सुनो, एकदम जमीन के पास से सीधा सीधा जा रहे हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, एक जमीन के पास से जा रहा है स्ट्रेट, सॉरी जमीन के पास नहीं, एक तो जमीन के पास से जा रहा है ग्राउंड वेव, एक हो गया, दूसरा स्पेस वेव, कहां से कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट एक जमीन से टकरा के, और एक ट्रोपोस्फियर से टकरा के, और एक सैटेलाइट से टकरा के, उसमें चार है, तो सेकेंड वाले का चार है, और वो 30 MHz से ऊपर है, 30 MHz से ऊपर। ग्राउंड वेव कितना था, 2 MHz से नीचे, बीच में कुछ खाली खाली सा लग रहा है, 2 MHz से 30 MHz, तो वो हो जाता है आपका स्काई वेव। तो इसकी फ्रीक्वेंसी किसी ने पूछा, तो इट इज इन द रेंज 2 से 30 MHz, 2 से 30 MHz ठीक है। अरे समझो मेरे भाई, समझो, ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड रहेगा लेस देन 2 MHz, स्काई रहेगा, आयोनोस्फियर से टकरा रहा है, आयोनोस्फियर से टकरा रहा है स्काई वेव। फिर ये कितना है, 2 से 30 MHz, और एक स्पेस वेव है, स्पेस वेव में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी, चार चीजें आएगी, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेसिकली ग्राउंड वेव में एक ही आएगा पीला वाला, स्काई वेव में एक ही आएगा या वायलेट वाला 2 से 30 वाला, और 30 से बड़ा वाला, स्पेस वेव में चार आएंगे, एक ये हो गया, 2, 3, 4 है ना, इस तरीके से हो गया। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। चलो वापस जाते हैं टेक्सटबुक की तरफ, सो फटाफट आगे बढ़ते हैं, जरा सा ही बचा है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मैं तो डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, तो मैंने भी आपको डायग्राम दे दिया, आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, देखो एटमॉस्फेयर की लेयर से खाली नाम याद रख लो, सब एग्जैक्ट किलोमीटर याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला है ट्रोपोस्फियर 20 किलोमीटर तक, अरे जमीन से 20 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, फिर 20 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर, फिर 50 से 85 किलोमीटर मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के ऊपर आ जाता है थर्मोस्फियर ठीक है, थर्मोस्फियर 690 किलोमीटर तक है, 690, और उसके ऊपर आ जाता है एग्जोस्फियर जो कि 10,000 किलोमीटर तक है, 10,000, और इसी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हमारी आ जाती है बेसिकली ओजोन लेयर, इसमें आ जाता है ओजोन लेयर ठीक है, याद रखना। और आयनोस्फियर कहां से शुरू होता है मालूम है, 60 से चालू होता है, 60 से, और यहां तक जाता है अप टू 1000, सो 1000 तक जाता है आयोनोस्फियर, आयोनोस्फियर ठीक है। तो आयोनोस्फियर एकदम अलग से नहीं है, मीजोस्फियर से शुरू होकर एग्जोस्फियर के अंदर तक जाता है ठीक है, तो इस तरीके से आयोनोस्फियर है। ये हो गया, तो स्काई वेव, स्पेस वेव सब हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं ठीक है, सब कुछ हो चुका है हमारे, बस ऑलमोस्ट लास्ट है, लास्ट है मेरे साथ, बस 10-15-20 मिनट और रह जाओ, अभी कभी खत्म हो जाएगा ये, डोंट वरी। यहां पर जब हम लोग जो पहुंचे हैं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पर जो हम लोग पहुंचे हैं ध्यान दीजिएगा, ये डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे, बहुत ही बचकाना है, अभी के भी ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और डेरिवेशन करते हैं फटाक से। सो इस डेरिवेशन पे जाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी, अरे क्या हो गया भाई, तो बहुत ही इजी डेरिवेशन है, व्हाट द हेल हैपेंड, कम ऑन, वेयर्स द बोर्ड, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर। सो इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं पहले एक अर्थ, छोटा सा एक अर्थ बनाते हैं, प्यारा सा मासूम सा अर्थ बनाते हैं, तो दिस इज अवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एंटीना बनाते हैं हम लोग, ठीक है, एंटीना, तो एंटीना भी थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। सो एंटीना बनाते हैं, तो ये है हमारे पास एक एंटीना। अरे ये तो उल्टा एंटीना बन गया भाई, एंटीना लाइक दिस। अरे ऐसे में उल्टा बन रहा, ई का हो गया भाई, क्रॉस में नहीं बनेगा का? अरे बगा छोड़ो, जाने तो, हम ऐसे ही बना लेंगे। तो बेसिकली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, तो ये है हमारा एक एंटीना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो एंटीना है ये इसके आगे वेव्स भेज नहीं सकता। अरे अगर कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, तो उसको तो कुछ दिखाई देगा नहीं ना, तो एंटीना यहाँ पे ब्लॉक हो गया, बस यहीं पे ब्लॉक हो गया, इसको जाने देते हैं। तो ये हो गया एंटीना का हाइट h, और ये हो गया अर्थ का रेडियस r, और ये भी हो गया अर्थ का रेडियस r। अरे समझ पाए भाई के नहीं समझ पाए मेरी बातों को? सो अर्थ का रेडियस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अब कहानी क्या है सुनिए, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, सभी लोग ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। सो एकदम ध्यान देंगे, तो ये जो एंटीना की कहानी है वो कैसी है, ये हाइट एच है, ये आर है, ये आर है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से खींच लेता हूँ। तो ये हाइट एच है, तो अब ये जो साइड हो गई ना, ये साइड की वैल्यू कितनी हो गई, आर प्लस एच हो गई। अरे रेडियस प्लस एच, ठीक है, तो ये हो गया, और एच इज हाइट ऑफ एंटीना। और ये जो है ये इसका रेंज है, रेंज, अरे जहां तक ये फेंक पा रहे अपने ये वेव्स फेंक पा रहे, अरे इसके आगे तो कुछ फायदा नहीं ना फेंक के, यहाँ पे ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रेंज इसका, अरे अकल के बुटलू, ये रेंज है भाई, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या हो रहा है भाई, अच्छा मेरा हाथ इधर लग जा रहा है गलती से। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, रेंज है ये, ठीक है, रेंज है। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब आगे देखेंगे, लिसन वेरी वेरी केयरफुल, इसको एक्सपांड करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आर को जब यहाँ पे लेके आएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, ये गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि एच स्क्वायर को हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसे जीरो मान लेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? अरे भैया अर्थ के रेडियस के सामने इसकी कोई मजाल है? अरे कितना फुट का तुम्हारा टावर रहेगा, 100 मीटर का टावर रहेगा, 150 मीटर का, 1 किलोमीटर का रहेगा, लेकिन अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। तो उसके सामने एच स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो विल इग्नोर दिस, तो ये भी चला गया, ये भी गया, ठीक है। बचा क्या, ये बचा टू आर एच प्लस आर स्क्वायर, अरे आर स्क्वायर इज सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस टू आर एच है, सो टू आर एच। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट टू आर एच, दैट्स इट, ठीक है। अगर इसी की जगह पे आपने रेंज बढ़ाना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और एंटीना लगा दीजिए, ये ट्रांसमिटिंग वाला हो जाएगा और ये रिसीविंग वाला हो जाएगा, रिसीविंग वाला, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटिंग है, रिसीविंग है, तो यहाँ से यहाँ तक आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और रेंज आप देख सकते हैं कि और बढ़ जाएगी, वो इसकी हाइट पर डिपेंड करेगी। इसकी हाइट अगर कुछ और है, एच डैश है, तो यहाँ पर भी एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आर डैश। अरे भैया समझ पाए कि नहीं, तो आर डैश विल बिकम अंडर रूट टू आर एच डैश। तो टोटल रेंज हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस या टोटल रेंज, टोटल डिस्टेंस डी हो जाएगा r प्लस आर डैश, जो कि कितना होगा, अरे लिसन वेरी वेरी केयरफुली, r प्लस आर डैश हो गया ना, जो कि कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर एच प्लस अंडर रूट टू आर एच डैश। ये टोटल डिस्टेंस है बिटवीन एंटीना टू एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, समझ गए, बहुत ही बचकाना डेरिवेशन था, दैट वॉज डैम इजी। अरे आई होप कि आप लोग बेसिक बातें समझ पा रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या बचा है लास्ट। सो फाइनली वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड। हाँ यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम का जो है बेसिक डायग्राम है, डायग्राम में अच्छे से नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट एनी वे कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिएगा। सो यहाँ पर जो है, लुक वेरी केयरफुली, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या होता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें मेन होती हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, तीन चीज़ें मेन होती हैं। तो एक होता है आपका, एक होता है आपका, रुकिए तीन बना देता हूँ पहले, ठीक है, तीन चीज़ें बना देता हूँ। तो एक आपका जो रहता है वो रहता है बेसिकली, ये होता है ट्रांसमीटर, 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 ये होता है चैनल, और ये होता है रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। और यहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो ये बेसिकली कौन है, सिग्नल, मतलब सिग्नल भेजा जा रहा है यहाँ से, सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज आ रहा है और यहाँ से सिग्नल डिलीवर हो रहा है, तो बेसिकली ये भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है, और यहाँ पर जो है यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाला बंदा है, और यहाँ पे क्या, सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सेंडर, जो बंदा सेंड कर रहा है वो है ये, ठीक है, तो सेंडर ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये सेंडर है, सेंडर, सेंडर है, वो रिसीवर है, यूजर है, ठीक है।
ठीक है। और इन्फॉर्मेशन में ट्रांसमीटर और चैनल और रिसीवर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन के लिए। और ये चैनल जो है ना, इसमें कभी कभार नॉइज भी घुस जाती है, तो कभी कभार हमको जैसे कि है ना FM चलाते हैं FM, तो उसमें खर 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 आवाज आती है ना, वो चैनल के थ्रू आती है, ठीक है। सो नॉइज, सो ट्रांसमीटर क्या है, ट्रांसमिट करने वाला, यहां से वहां सिग्नल भेजने वाला। चैनल कौन है, सिग्नल को ले जाने वाला। अब वो हवा भी हो सकता है, कोई वायर भी हो सकता है। और रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, टेलीफोन, उसके अंदर होगा ट्रांसमीटर। मैं बोलूंगा वो वायर के अंदर सिग्नल को भेजेगा, वायर चैनल है, वो सिग्नल को लेके जाएगा। और वहां पे टेलीफोन होगा, उसके अंदर होगा एक रिसीवर, रिसीवर यहां होगा, ट्रांसमीटर यहां होगा, ट्रांसमीटर रिसीवर, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और बीच में कभी नॉइज भी आ जाती है, समझ में आया। तो ये बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक सा है। तो आगे देख लेते हैं। हाँ, तो एक तो हमने ट्रांसमीटर देख लिया, ये क्या करता है कि सिग्नल बनाता है। अपन ने जो भी बात बोली ना, मैसेज बोला ना, उससे सिग्नल क्रिएट करता है और सिग्नल को घुसा देता है चैनल में, सिग्नल को चैनल में घुसा देता है ट्रांसमीटर। इट मेक्स सुइटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन, सुइटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है। इट कन्वर्ट्स द सिग्नल इनटू सुइटेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, सुइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, ट्रांसड्यूसर एक तरीके की एनर्जी को दूसरे तरीके की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे ध्यान से तो साउंड को, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन माइक, ठीक है। तो वो एक ट्रांसड्यूसर है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है आवाज में, साउंड में, वो है आपका लाउड स्पीकर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर डिवाइस विच कन्वर्ट्स व्हाट, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिसीवर क्या है, ये जो सिग्नल आया हुआ है उसे वापस से मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये हमको समझ में आ चुका है, राइट। सो ये हो गया। नॉइस क्या है, एनी अनवांटेड, एनी रैंडम सिग्नल, एनी अनडिजायर्ड सिग्नल, अरे कोई भी रैंडम सिग्नल जो घुस गया और बेसिकली हमारे ओरिजिनल सिग्नल को इंटरफेयर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो नॉइस है। सो नॉइस इज अ रैंडम अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। अटेन्यूएशन मतलब जब वेव यहां से वहां ट्रेवल कर रही है, जब वेव यहां से वहां ट्रेवल कर रही है तो उसकी एनर्जी कम 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 हो जाती है, एकदम दूर जाके आवाज, जैसे आपने चिल्लाया तो आपकी एनर्जी भी कम 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 हो जाएगी और दूर वाले को तो सुनाई भी नहीं देगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अटेन्यूएशन। तो जो स्टार्टिंग में जो सिग्नल होता है वो ऐसा होता है, फिर बाद में कमजोर होके ऐसा होकर मर जाता है, इसे कहते हैं अटेन्यूएशन प्रोसेस। तो अटेन्यूएशन इज द लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम हो जाना, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाना, लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज अटेन्यूएशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन, जो सिग्नल कमजोर हो गया टावर पे गिरा के, वो सिग्नल टावर पे गिराते हैं और उसको फिर से एम्पलीफाई करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम जो हो रहा है वो होता है एम्प्लीफिकेशन, समझे क्या नहीं समझे। रेंज क्या होता है, वॉट इज रेंज, रेंज का मतलब होता है जो लार्जेस्ट डिस्टेंस जो है जहां तक आप सिग्नल भेज सकते हो, सबसे बड़ा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सेंड द सिग्नल इज कॉल्ड एज अ रेंज, समझ गए। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एज रेंज। बैंडविड्थ मतलब जैसे कि अपन ने अभी क्या देखा कि स्काई वेव कहां से कहां काम करती है, 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, तो ये उसका बैंडविड्थ हो गया। जो जिस रेंज में काम करता है वो उसका बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ इज द व्हाट, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ कुछ और नहीं है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मॉड्यूलेशन, अगर तुमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हवा में छोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन का, अगर अपनी आवाज को इलेक्ट्रिसिटी बना के हवा में छोड़ा, ये सिग्नल बहुत ही कमजोर है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही जो तुम्हारी आवाज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो तुम्हें अगर इसको पावरफुल बनाना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। तो क्या करते हैं मालूम है, तुम्हारी आवाज को चढ़ा देते हैं दूसरे सिग्नल पे, तुम्हारी आवाज को दूसरे सिग्नल पे चढ़ाते हैं जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। द मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द मैसेज सिग्नल ऑन द कैरियर सिग्नल, कैरियर ले जाने वाला, ले जाने वाले सिग्नल पे अपना मैसेज का सिग्नल चढ़ा देना, उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो मॉड्यूलेशन, सो लार्ज डिस्टेंस पे अगर ले जाना है तो मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, कैरियर वेव पे चढ़ाते हैं सिग्नल को, अपने नॉर्मल भाषा को, अपने नॉर्मल बातों को चढ़ाते हैं इस पे और दूर भेजते हैं, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, समझ में आया। यहां पर टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन दिए हुए, तो देखो ये, देखो ये मान लो कुछ सिग्नल्स हैं, ठीक है, थीके? अगर इनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए तो वो हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इनकी फ्रीक्वेंसी, अरे एम्पलीट्यूड देखो ना, हाइट चेंज हो गया ना, हाइट चेंज, हाइट चेंज, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज देखो ना, यहाँ पे कम वेव्स, यहाँ पे ज्यादा वेव्स है, कम वेव्स है ज्यादा वेव्स है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए एफएम। और यहां पर एक सेकंड, इसका नाम क्या दिया, पल्स मॉड्यूलेशन ना, देखो पीएम दिया हुआ है, चेक करो, क्योंकि और भी होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी होता है, ठीक है, पीडब्ल्यूएम पीपीएम दुनिया भर का रहता है, तो पीएम दिया हुआ है, तो फेज मॉड्यूलेशन होगा ये, फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन में वो एंगल के हिसाब से, इसका जो एंगल है उसके हिसाब से बेसिकली चीजें एंगल में चेंज होती है, इसका जो भी एंगल मतलब एक चीज होती है, ठीक है, वो डिटेल में समझाना मतलब पूरा इंजीनियरिंग पढ़ाने के बराबर हो गया, ये बस खाली आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है, कि 11वीं 12वीं के बच्चों को हर चीज का थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। तो फेज मॉड्यूलेशन है ये, फेज मॉड्यूलेशन, इसमें एंगल के हिसाब से जो है चेंज करते हैं इसकी इसकी वैल्यू, सो एएम एफएम एंड पीएम, ठीक है, बस दैट्स इट। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग करेंगे अगले सेशन में, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने हर चीज आपको पढ़ाई है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बड़ा मजेदार लगा होगा, मजा आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और पढ़ाने में और भी ज्यादा मजा आए। बिकॉज जब कॉम्पिटिशन होता है ना, हेल्दी कॉम्पिटिशन, तो हम लोग आंसर देने की जब कोशिश करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं उन दोस्तों से। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।